और इस विषय को भी आपसे अनुमति लेकर प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह जी यदि भी मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मैं केवल उनको ये बता रहा हूँ कि उनके निर्देश के पालनार्थ मैं इस समय जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने ही मुझको कहा था कि अभी तक जो पिछले 68 विषय हुए हैं इस सीक्वेंस में उसमें अभी तक भारतीय शिक्षा दर्शन और भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान पर कोई विषय अभी तक नहीं आया है, तो इस पर मैं कुछ अपनी बात रखने का प्रयास करूं, ऐसा उनका निर्देश था। मैं इस विषय को जिस शब्दावली के साथ आदरणीय डॉक्टर सोमू सिंह जी ने इसको प्रारंभ किया है तो आप सभी को मैं प्रारंभ में ही धन्यवाद देते हुए कि आप सब लोगों ने मुझे इसे योग्य समझा कि मैं इस विषय को आपके सामने रख सकूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। विषय की जो घोषणा हुई है उस पर सा विद्या या विमुक्ति, इसमें भारत का शिक्षा का दर्शन भी है, शिक्षा का मनोविज्ञान भी है और सब मिलाकर जीवन के प्रति दृष्टि कैसी होनी चाहिए यह भी इसके अंदर आता है। तो यहाँ जिस बात की मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ, हमें से अधिकांश बंधु चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी टीचर्स एजुकेटर्स हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से यह जो श्लोक का एक पद है साविद्या या विमुक्ते, इसका स्रोत भी अधिकांश को मालूम है। फिर भी मैं बात को प्रारंभ करने के लिए और विष्णु पुराण के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय का 41वां श्लोक ये इस प्रकार का है, इस श्लोक में पूरा पढ़ता हूँ एक बार। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, यानी पहली पंक्ति का दूसरा चरण है। जो बंधन में न बांधे और जो मुक्ति का मार्ग दिखाए, मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से अनेक लोग संस्कृत के विद्वान लोग भी होंगे और मुझे लगता नहीं कि मुझे संदर्भ जोड़ने के अलावा इसकी मुझे बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता भी है। हाँ, दूसरी पंक्ति जो इससे जुड़ती है वह अपने आप में एक महत्व का विषय है। आया साया परम कर्म विद्यन्याह शिल्प नेपुणम, अपने यहाँ जो पराविद्या पराविद्या ये दो की चर्चा आती है, एक वह जो हमको जीवन का मार्ग दिखाती है, जीवन कैसे जिए, भौतिक जीवन कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा करती है, और एक वह जो आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग हमको दिखाती है। इन दोनों को बराबर महत्व का कहा गया है और इसलिए जब इस विषय की चर्चा करते हैं तो अपने लिए ध्यान में आने वाली बात यह भी है कि बाकी को बेकार हैं, इनका कोई उपयोग नहीं होता है, ये जीवन के किस काम की, ऐसा नहीं है। भारत का शिक्षा दर्शन दोनों पक्षों के संतुलन की बात करता है। अन्य भी जो विद्याएं हैं, मेडिकल साइंस के बिना नहीं चलेगा, आर्किटेक्चर के बिना नहीं चलेगा, इंजीनियरिंग के बिना नहीं चलेगा, वनस्पति शास्त्र या रसायन शास्त्र के बिना नहीं चलेगा, वे सब भी जीवन में आवश्यक हैं, परंतु उनके बारे में कहा गया विद्यन्याह शिल्प नैपुणम, वो स्किल्स हैं, क्राफ्ट्समैनशिप हैं, उनको भी जानना जरूरी है, जीवन को सुख और सुविधा संपन्न बनाने के लिए उनकी भी आवश्यकता, इसलिए उनको भी सीखना ही चाहिए। वो अविद्या उनके लिए शब्द नहीं है, वह विद्या का ही अंग है परंतु वह आध्यात्मिक चिंतन की ओर नहीं ले जाती हैं, ऐसा इस श्लोक का भाव है। हालांकि मैं तो कहता हूं कि यह सब पुरानी बात हो गई, विष्णु पुराण की रचना पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले हुई होगी और उस समय और इस समय के सोचने के तरीके में अंतर हो गया। तब जो पुराणकार रहा होगा उसको सा विद्या या विमुक्तये, विमुक्ति की कामना रही होगी, इसलिए उसने विद्या को विमुक्ति का मार्ग बताया। अब आजकल तो विद्या की आवश्यकता किसी को रहती नहीं है, ये जो सा विद्या या विमुक्तये है, मैं कभी कभी हंसी में कहता हूँ मेरा परिचय भी विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते कराया गया और विद्या भारती का तो संयोग से घोष वाक्य मोटो सेंटेंस ही सा विद्या या विमुक्तये है, तो मैं कभी अपने कार्यकर्ताओं मित्रों से हंसी में कहता हूँ कि भाई अब ये पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, अब किसी को विमुक्ति की इच्छा से विद्या नहीं चाहिए, इसको बदल कर कर देना चाहिए सा विद्या या नियुक्तये, जो नियुक्ति दिला दे, जॉब एम्प्लॉयमेंट, केवल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड शिक्षा की ही अपने को आवश्यकता, उतना ही अपने लिए पर्याप्त है। और इसलिए यह दोनों के संतुलन का जो भारतीय शिक्षा का दर्शन है उसकी चर्चा।
और ये केवल एक जगह यही है, इतना ही नहीं, विद्या मृतमश्नुते ये भी अपने यहाँ कहा गया। अपने यहाँ वेद का जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रार्थना है, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर माम मृतम गमय। यहां पर भी मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलना, सब में चर्चा मुक्ति की है, मोक्ष की है, अमरता की है, अमृत तत्व की है। अब प्रश्न ये है कि ये सब अमृत तत्व, ये अमरता कैसे प्राप्त होने वाली है, कौन सा ऐसा मार्ग है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे अमरता प्राप्त हो जाती है। अमरत्व या अमृत तत्व यानी मृत्यु को जीत लेना। अब मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है, यदि मुक्ति या मोक्ष की बात की जाए तो वह कैसे प्राप्त हो। तो सामान्यतः अपने यहां जो समाज में प्रचलित शब्द है वो तो ऐसा है, कोई रिश्तेदार लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, अचानक एक दिन समाचार आता है हमें कि उनका स्वर्गवास हो गया। मुंह से पहला जो अपने को त्वरित कमेंट निकलता है वो क्या है, चलो अच्छा हुआ मुक्ति हो गई उनकी। मुक्ति किससे हो गई, कष्टों से। बहुत कष्ट भोग रहे थे, शारीरिक कष्ट था, कोई ऐसा रोग था जो ठीक भी नहीं हो सकता था, और इसलिए मुक्ति हो गई। तो यह मुक्ति क्या केवल मृत्यु के उपरांत होती है, शरीर नष्ट होने के बाद होने वाली मुक्ति, प्राण इस देह से निकल जाने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है। इस मुक्ति की कल्पना के लिए फिर शिक्षा की आवश्यकता क्या है, जो अशिक्षित भी है वह भी और जो सुशिक्षित भी है उसकी मृत्यु तो एक दिन होनी है, ये तो ध्रुव सत्य है, तो इसकी आवश्यकता ही कहां रह गई थी। इसलिए हमने मृत्यु के उपरांत वाली मुक्ति की चर्चा इस श्लोक में नहीं की है। देह में रहते हुए मुक्ति, जीवन मुक्ति, सारे दार्शनिक विचारों में भारत में इसी की चर्चा हो रही है। किससे मुक्ति चाहिए, हमने शिक्षा और जीवन को ये पर्याय माना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की पूर्णता उसकी शिक्षा के माध्यम से होती है, यानी शिक्षा का लक्ष्य और जीवन का लक्ष्य ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और जीवन के विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, और इसलिए शिक्षा के माध्यम से। तो किससे मुक्ति चाहिए, जो विकास में बाधक तत्व हों उनसे मुक्ति चाहिए, ऐसा ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मैं प्रारंभ करते हुए ही ये निवेदन कर देता हूँ, आप सभी विद्वान लोग हैं, टीचर एडुकेटर्स हैं, और स्वाभाविक रूप से आप सब लोगों के ध्यान में ये सारा विषय पहले से भी खूब होगा। मेरा निवेदन केवल इतना ही है, अंग्रेजी का एक वाक्य बड़ा प्रचलित है, यू मे एग्री यू मे नॉट एग्री बट लेट अस एग्री टू डिसएग्री। आप मेरे से सहमत असहमत हो सकते हैं, चलिए हम इसी बात पर सहमत हो जाते हैं कि आप मेरी बात से असहमत हैं, मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं। और इसलिए जीवन मुक्ति, जो जो विकास में बाधक तत्व हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का संभवतः 27वां श्लोक होगा, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सबके प्रकृति के अनुसार कर्म निर्धारित हैं। अब प्रश्न ये आता है कि यदि सभी के कर्म निर्धारित हैं, उनके गुण कर्म विभागशः, तो ऐसी स्थिति में उससे विपरीत जो भी कुछ है उससे मुक्ति पाना यह शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान से मैं जरा बात का संदर्भ लेकर बात को शुरुआत करता हूँ। हम में से अधिकांश जो मनोविज्ञान विषय के प्राध्यापक हैं वे ईडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, वह भी एक प्रकार का मुक्ति का प्रयास या मुक्ति का मार्ग की ही चर्चा है। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हूं और इसलिए मैं उसका बहुत तत्व चिंतन आपके सामने नहीं निवेदन कर पा रहा हूं। अपने एक मनोवैज्ञानिक मित्र से मैंने ये ईडिपस क्या चीज़ है ऐसा पूछा था, और उन्होंने जो बताया सही कि गलत मैं उसकी जांच भी मैंने नहीं की है, मैंने उन अपने प्राध्यापक मित्र पर विश्वास करके मैं उस बात को कह रहा हूं। ये ईडिपस इसमें क्या है, तो उन्होंने बताया कि ईडिपस यह एक कथा या लघु उपन्यास का नायक है। अब उस कथा को उन्होंने जिस तरीके से बताया मैं और उसे संक्षिप्त करके एक डेढ़ दो मिनट में उसे पूरा करता हूं। ईडिपस नाम का एक बालक है जो अपनी माता के साथ एक दुर्ग में रहता है, किले में। उसके पिता राजा के सेनापति हैं, कभी कभी आते हैं, माता अकेले इस पुत्र का पालन पोषण करती है। पिताजी सेनापति हैं तो कोई 10 से 5 की ड्यूटी नहीं है, सामान्य रूप से वे कभी 2-4 महीने में एक बार आते हैं। अब क्योंकि माता के लिए देखरेख करने वाली है इसलिए बच्चे की खूब चिंता करती है।
बच्चा लेकिन बचपन से इस बात को ऑब्जर्व करता है कि जिस दिन ये पिताजी नाम का प्राणी आ जाता है उस दिन माता जी का सारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, बाकी दिन जो मैं खाता हूँ मुझे पसंद है वो बनाती हैं, जिस दिन पिताजी आते हैं तो पिताजी की पसंद का बनता है। मैं जरा गिर पड़ता हूँ तो दौड़कर मुझको उठाती हैं, लेकिन पिताजी के आने पर उनकी सेवा में लगी रहती है। मैं गिर भी पड़ता हूँ तो वहीं से बोलती हैं उठ जा उठ जा। मन में कहीं ना कहीं इस बच्चे के पिता के प्रति एक दुर्भाव, एक क्रोध, एक असंतुष्टि की भावना पनपती है। और फिर ये कथा आगे चलती है और आगे चलकर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पिता जब जब आते हैं तो पिता पुत्र के बीच में विवाद होता है। और एक दिन पिता आते हैं और पुत्र और पिता के बीच में इतनी गर्मा गर्मी होती है कि यह पुत्र जिसका नाम ईडीपस है ये छोड़कर घर चल देता है। ऐसा अपने यहाँ होता है, पिता से नाराज होकर बच्चे घर छोड़कर जाते हैं, वो भी चला जाता है और चलते चलते इतना दूर निकल जाता है कि वो इस राजा का राज्य छोड़कर दूसरे राजा की राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। उस राज्य दूसरे राज्य का राजा से शिकार के लिए आया हुआ है। यह एक पेड़ पर चढ़कर कुछ विश्राम कर रहा है, इतने में देखता है कि एक सिंह झाड़ी में से घात लगाकर राजा पर आक्रमण करता है। ये उतरता है और तलवार की एक वार से उस सिंह को मार देता है। राजा बड़ा चमत्कृत होता है और अंततः उसे पूछता है कौन हो, कहाँ से आए हो, ये कुछ अपने बारे में बताता है गलत सही, और अंततः राजा उसे अपने साथ अपना अंगरक्षक नियुक्त करके ले जाता है। बाद में किसी एक युद्ध में अपने वीरता का बड़ा परिचय देता है और प्रसन्न होकर राजा उसे अपने राज्य का सेनापति नियुक्त कर देता है। नाउ द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी कम्स। एक दिन इन दोनों राजाओं यानी एक जिसका सेनापति पुत्र है और एक जिसका सेनापति राजा है, इन दोनों के बीच में भी सीमा को लेकर युद्ध हो जाता है। आमने सामने दोनों सेनाएं आती हैं और ये पुत्र ईडीपस कहता है कि सेना के सैनिकों का वध करवाने से क्या लाभ, पिता ये जो दोनों सेनापति हैं ये आपस में मल्ल युद्ध द्वंद्व युद्ध कर लें, जो सेनापति जीत जाएगा माना जाएगा कि उसका राजा उसकी सेना भी जीत गई। और इस तरह से द्वंद्व युद्ध होता है, सारी सेना देखती रहती है। अब पिता वृद्ध हो गया है और पुत्र युवा है और इस द्वंद्व युद्ध में पुत्र पिता का वध कर देता है। वे कहते हैं कि पिता के प्रति ये वितृष्णा का अभाव ही ईडीपस कॉम्प्लेक्स है। अब इसे अगर आप मुक्ति की कामना के, मुक्ति की भावना के साथ जोड़ते हैं तो इसमें मुक्ति का तत्व क्या है, तो यह केवल वितृष्णा है। वह मन में उसके प्रति जो दुर्भाव है उसको इसके साथ शायद जोड़ा जा सकता है, परंतु भारत में मुक्ति की संभावना संकल्पना यह नहीं है। मनोवैज्ञानिक तो भी कहते हैं कि बच्चा पालने में सोया होता है, माँ बिछौने पर सुला देती है और बच्चा हाथ पैर मारता है बिस्तर से निकलने की, थोड़ा बड़ा होता है माँ जबरदस्ती पकड़कर सुलाने की कोशिश करती है, बच्चा बिस्तर से निकलकर भागने का प्रयास करता है। कोई अतिथि आ जाते हैं, बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करते हैं, बच्चा गोद में चढ़ नहीं जाता अपरिचित के, वो हाथ छोड़ाकर भागने की कोशिश करता है। यह सब भी मुक्ति का विचार है, ऐसा ईडीपस कॉम्प्लेक्स का वर्णन किया जाता है। हमारी मुक्ति यह नहीं। भारत के दर्शनों में बात करें तो मैं सबको थोड़ा थोड़ा स्पर्श ही केवल कर रहा हूँ, मूल विषय कहना जो भारतीय चिंतन है उस पर आने के पहले, क्योंकि सब मिलाकर भारत का ही दर्शन और मनोविज्ञान सभी रूपों में दिखाई देता है। जहाँ पाश्चात्य ने केवल बेसिक इंस्टिंक्ट के साथ उसे जोड़ा, जिसे अपने यहाँ आहार निद्रा भय मैथुनचा कहा गया, ये बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, हर एक मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार का विषय उनके लिए भी ईडीपस कॉम्प्लेक्स है। अपने यहाँ मैं जरा दोनों तीनों दर्शनों की थोड़ा थोड़ा स्पर्श करता हूँ। जैन दर्शन में एक ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर परंपरा में उमा स्वामी मगध में लंबे समय तक दुष्काल हुआ और उसके समय उमा स्वामी वहाँ से बाहर निकले, गुरु जी के निर्देश पर उन्होंने एक प्रकार से जैन दर्शन या जैन पंथ का जो इतिहास है वो कहता है कि उमा स्वामी के साथ दिगंबर से श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हुई। मैं उस परंपरा पर नहीं जा रहा हूँ, मुख्य मुद्दा यह है कि उमा स्वामी का यह तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ दो दृष्टियों से बड़ा प्रमुख है। हम सबको ध्यान में है जैन दर्शन के अधिकांश आगम ग्रंथ वे प्राकृत में हैं, पाली का उपयोग हुआ है, परंतु यह ग्रंथ है जो संस्कृत में है। और दूसरी बात, यह उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का पाठ जैन दर्शन की या जैन परंपरा की जो विभिन्न अलग अलग भी उसमें से सेक्ट्स तैयार हो गए,
दिगंबर श्वेतांबर तो दो हैं ही, फिर श्वेतांबर में भी स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, तेरापंथी ऐसे अलग अलग हैं। तत्वार्थ सूत सबके लिए प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, यानी जैन दर्शन का तत्व चिंतन को यदि कहीं प्रमाण चाहिए तो ये प्रमाण तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है। इस तत्वार्थ सूत्र में भी शब्द बदल गया है। जैन दर्शन कहता है, तत्वार्थ सूत्र में वर्णन आता है मुक्ति के संदर्भ में, जन्म यह बंधन है और इस बंध में हमको आश्रव यानी अपने कर्मों के परिणाम यह भोगने ही होते हैं। कुछ पूर्व जन्म के हमारे प्रारब्ध संचित होते हैं और कुछ इस जन्म के किए हुए कर्म होते हैं, इन सब के परिणाम भोगना जिसके लिए अष्टव शब्द उपयोग किया जैन दर्शन ने। इससे आगे बढ़कर एक स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति कोई भी इस अपने आप को इस स्तर तक ले जाता है तब बंधनों से मुक्ति होती है, जिसको संवर ऐसा शब्द दिया गया। और जब संवर का अभ्यास यानी कर्म विमुक्ति हो गई उसकी, अब नए कर्मों का सृजन नहीं, पुराने कर्मों का भोग पूरा हो गया, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाण प्राप्त होता है जो कि कर्मों की समाधि है। इस निर्वाण के माध्यम से ही कैवल्य ये निर्वाण क्षमा करें निर्वाण नहीं शब्द गलत हो गया निर्जरा निर्जरा के माध्यम से कैवल्य यानी निर्जरा यानी वह स्थिति जिसमें बैलेंस बराबर हो गया। अब कोई नए कर्म संचित नहीं हो रहे, पुराने संचित कर्मों का सब हमने भोग भोग लिया है और ऐसी स्थिति में निर्जरा, ये निर्जरा नहीं है निर्जरा, आप में से जो नए युग वाले होंगे तेरा नाम फिल्म यदि आ रही हो याद तो उसमें जो नायिका है उसका भी नाम निर्जरा है, देवताओं के लिए सामान्यतः, क्योंकि जरा उनको ग्रहण नहीं करती। जैन दर्शन में निर्जरा का अर्थ यह कर्म फल की समाप्ति, कर्मों का सृजन भी समाप्त और कर्म का फल भी समाप्त, इन दोनों का और मार्ग है जिससे कैवल्य यानी मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके लिए मार्ग जैन दर्शन बताता है कैसे होगा, तो वो सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचार, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, गृहस्थों के लिए और श्रावकों के लिए यानी श्रमण और श्रावक दोनों श्रेणियों के लिए पंच महाव्रत और पंच अणुव्रतों की चर्चा जैन दर्शन करता है। अपने यहाँ जिनको यम और नियम कहा गया उनको ही प्रकारांतर से अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन सब के माध्यम से। और जैन दर्शन की जो दो बहुत विशेष बातें हैं, अनेकांतवाद और स्यातवाद। अनेकांतवाद माने जो आप देख रहे हैं वही केवल सत्य है, वही पूर्ण सत्य नहीं होता, सत्य सदैव पूर्ण होता है, हम उसका एक पक्ष, एक छिरा, एक छोर केवल ये देख पाते हैं और उसी को सत्य मानकर चल देते हैं, यह गलत है और इसलिए इसको नहीं लेना। स्यातवाद अर्थात यह भी सत्य, वह भी सत्य, ऐसा भी सत्य हो सकता है, वैसा भी सत्य हो सकता है। मैं यदि किसी का पुत्र हूं तो किसी का पिता भी हूं, किसी का पति भी हूं, किसी का चाचा, ताऊ, मामा, फूफा भी हूं, और इसलिए एक ही व्यक्ति अनेक प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, यह जैन दर्शन। मैं यहां पर जैन दर्शन से बौद्ध दर्शन की बात करूं, धम्म पद हम सब लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन का प्रारंभ ही दुखों से होता है, इन दुखों में से ही दुख नए अर्थात दुख को आनय करने वाले दुख के कारण ये उत्पन्न होते हैं, जिसके लिए शब्द बौद्ध दर्शन कहता है तृष्णा। ये तृष्णा ही है जो हमें कष्टों में डालती है, दुखों में डालती है। इस जब दुख नए है तो दुख निरोध भी है अर्थात दुखों को शमन करने, दुखों को समाप्त करने का प्रकार यह दुख निरोध, जिसके लिए संस्कृत का शब्द ही है बौद्ध दर्शन ने उसको वैराग्य कहा। और इस वैराग्य की अंतिम परिणति यह निर्वाण में होती है, यह निर्वाण ही वास्तव में मोक्ष का पर्यायवाची ऐसा कह सकते हैं। तो कैवल्य है, निर्वाण है किसी भी स्वरूप में। मैं गुरु नानक देव को और स्मरण करते हुए और फिर इस विषय को इस अपने उपनिषद पर लाता हूँ। जपुजी साहब में भी वर्णन है, मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवारे सरदार, मन्ने तरे तारे गुरु सिख, मन्ने मानक भवे न भिख। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले को जिसको मोक्ष का द्वार दिखाई दे जाता है
वो परिवार को भी साध लेता है, वह स्वयं भी तरता है, अपने गुरु और शिष्यों को भी तार देता है। वह कभी भीख नहीं मांगता, उसको याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भी वास्तव में अपने लिए विचार करने वाली बात है। मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ विनोद विवेक कुमार जी, ये निर्जला नहीं है, वो तो एकादशी होती है, निर्जरा है, JALA नहीं, JARA, निर्जरा ये शब्द है। चलिए तो मैं जिस अगली बात पर आता हूँ वह है हम किससे मुक्ति चाहते हैं, यह इसको लेकर हमारा उपनिषद भारत का मूल दर्शन यह क्या कहता है। अपने यहाँ शिक्षा का उद्देश्य कहा गया पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी अंत में मोक्ष ही है, लेकिन वो मोक्ष के लिए इसको अगर एक वाक्य में कहना हो, धर्माचरण पूर्वक अर्थार्जन करते हुए अपनी जितनी भी वैध जितनी भी आवश्यक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर लेना, तो मोक्ष का मार्ग स्वतः ही मिलने वाला है। और इसलिए जीवन की श्रेष्ठता इस पुरुषार्थ चतुष्टय में से हम किस प्रकार से अपने जीवन को इतना समुन्नत कर सकते हैं, इतना उच्च बता सकते हैं, इसके लिए ज्ञान अर्जन की आवश्यकता। शिक्षा का कार्य भी यही है, शिक्षा का कार्य ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाना। और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञानार्जन के लिए अपने उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली करके तीन चैप्टर्स, उपनिषद में उसके लिए वल्ली शब्द है, इसमें हमारे इस सारे तत्व का चिंतन का वर्णन है। दो करण, ये करण नहीं है, कुंती के पहले पुत्र की बात नहीं हो रही, करण, ऐसे दो करणों का ज्ञान अर्जन के लिए चर्चा की जाती है। एक को कहा गया बहिःकरण और दूसरे को कहा गया अंतःकरण। बहिःकरण मैं पुनः संकोचपूर्वक ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके साथ अनेक लोगों ने सारी बातें पहले भी सुनी हुई होंगी, कोई नई बात मैं कह रहा हूँ आज, कोई रहस्य उद्घाटन करने वाला हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं केवल अपने विषय को इसके साथ जोड़ रहा हूँ, भारत के शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। बहिःकरण इसलिए कहा गया क्योंकि ये बाहर से दिखाई देते हैं, अंतःकरण यानी जो अंदर हैं दिखाई नहीं देते हैं, शरीर के किसी अंग के रूप में उनकी पहचान नहीं की जा सकती। यह बहिःकरण को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया कर्मेंद्रिय और दूसरे को कहा गया ज्ञानेंद्रिय। आद्य शंकराचार्य ने जो निर्वाण षटकम लिखा है उसमें भी वो कहते हैं मैं क्या क्या नहीं हूँ, मैं ज्ञान कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, मैं ज्ञानेंद्रिय भी नहीं हूँ। परंतु ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हमारे लिए ज्ञानार्जन का माध्यम बनती हैं। कर्मेंद्रियों का काम है कर्म करना, ज्ञान उनका नाम ही कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों का काम है ज्ञानार्जन करना। अब कर्मेंद्रियां क्या हैं जो कर्म कर रही हैं, यहां इसकी व्याख्या में पड़ जाऊंगा तो विषय मूल विषय छूट जाएगा। कर्मेंद्रियां हमारे शरीर में वाणी पाणी पादौ उपस्थ और पायुः, सामान्य भाषा में हाथ पैर वाणी उपस्थ और उपायु माने सामान्यतः जिन्हें हम मूत्र इंद्रिय और मल इंद्रिय कहते हैं, ये सब कर्म करने की इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर स्थित जो सतत कर्म करती रहती हैं। अब ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को अगर यहीं सरल शब्दों में अगर हम लेने की कोशिश करें तो अंततः यह जो कर्मेंद्रियां हैं, मुझे ज्ञानार्जन के लिए सबसे सरल साधन है पुस्तक पढ़ना। सामने अलमारी में पुस्तक रखी हुई है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब सोचिए कि अगर मेरे पांव उस अलमारी तक चलने की स्थिति में ना हो, मेरे हाथ उस अलमारी का पल्ला खोलकर पुस्तक निकालकर उसके पृष्ठ पलटकर वांछित पृष्ठ पढ़ने की स्थिति में ना हो, तो फिर मैं कैसे कोई चीज सीख सकता हूँ। कर्म इंद्रियों की सक्रियता यह आवश्यक है। ज्ञानार्जन का पहला करण, बहिःकरणों में पहला करण, पहला भाग ये कर्म इंद्रियां हैं। इनका काम ही क्रिया करना, कार्य करना, कर्म करना है, द परफॉर्म एक्शंस। और इसलिए इन एक्शंस में जो बाधाएं पड़ती हैं उनसे मुक्ति चाहिए। सा विद्याया विमुक्तये, तो मुक्ति किससे चाहिए, कर्म इंद्रियों को मुक्ति चाहिए आलस्य से।
कर्मेंद्रियों को मुक्ति चाहिए, निष्क्रियता से कर्मेंद्रियों को मुक्ति चाहिए, अकर्मण्यता से। वे यदि कर्म नहीं करेंगी, अपना अपना निर्धारित काम नहीं करेंगे, तो ज्ञानार्जन की प्रक्रिया रुक जाने वाली है। इसलिए कर्मेंद्रियों को मुक्त रखना है लेजीनेस से, लिथार्जिक एटीट्यूड से, आइडियलनेस से, इनएक्टिवनेस से। अंग्रेजी के शब्द भी मैं साथ साथ जुड़ता जा रहा हूँ, कई बार कुछ कठिन हो सकते हैं शब्द, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए यह शरीर की कर्मेंद्रियों की मुक्ति चाहिए आलस्य, निष्क्रियता और अकर्मण्यता से। ज्ञानेंद्रियों का काम है ज्ञानार्जन के लिए अनुभूति अर्जित करना, अनुभूतियां अर्जित करना, सेंसेस सामान्य रूप से जिनको कहा जा सकता है। ये हमारी सेंस है, पांच सेंस। हम आंखों से देखकर सीखते हैं, कानों से सुनकर सीखते हैं, खट्टा मीठा कड़ुआ कसैला ये हमें जिह्वा बताती है, रस हम ठंडा गर्म चिकना खुरदरा ये स्पर्श करके त्वचा से जान जाते हैं, और शब्द तो दो ही हैं, खुशबू और बदबू, सुगंध और दुर्गंध, लेकिन ये किस गंध से है, किस प्रकार की, आप बता सकते हैं कि गुलाब की है, कि रजनीगंधा की है, कि मोगरे की है, तो ये नाक हमको बताती है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलकर हमको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां कराती हैं। ये पांचों तत्व, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां सीधे सीधे जिनसे कहा गया है कि सृष्टि की रचना हुई और हमारे शरीर की भी रचना हुई, उन पांचों पंच महाभूतों, पांचों तत्वों के साथ इनका कनेक्शन सीधे सीधे है। पृथ्वी सगंधा श्लोक है, हमें से अनेक लोगों का सुना हुआ भी होगा। पृथ्वी सगंधा, पृथ्वी गंध युक्त है, उसका गुण है गंध उत्पन्न करना, गंध हमको मिलती है नासिका से, नाक से। सरसास्तापह, आपह यानी जल, इसका गुण है सरसता, स्वाद हमारी जिह्वा बताती है। स्पर्शी च वायु, वायु का गुण है स्पर्श गुण, हमें हवा चलती दिखाई नहीं देती, शरीर को स्पर्श करती है तो हमको पता लगता है कि हवा चल रही है। स्पर्शी च वायु, हमको त्वचा से स्पर्श गुण जुड़ा हुआ है। ज्वलनम च तेज, तेज यानी प्रकाश, दिखाई देता है, विज्ञान का सिद्धांत है, प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत ही हमारे देखने की सुविधा जुटाता है, और इसलिए यह तेज जो है प्रकाश हमको दिखाई देता है अपनी आंखों से। और नभः सशब्दम, ये दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द, नभ का गुण आकाश का गुण है शब्द उत्पन्न करना, और हमें कानों से शब्द सुनाई देते हैं। यह जो पांचों पंच महाभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व हमारे शरीर की पांच ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए हैं, इनसे हम अनुभूतियां अर्जित करते हैं। ज्ञानेंद्रियां यदि अनुभूतियां अर्जित करना बंद कर दें तो परिणाम क्या होगा, धीरे धीरे हमारे ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया रुक जाएगी। बहुत सरल उदाहरण देता हूं, कई बार हमको बहुत तेज सर्दी का असर हो गया, जुकाम हो गया, नाक अपनी जगह है, गंध नहीं आती किसी चीज में, बुखार के बाद प्रायः सब शिकायत करते हैं, पता नहीं कुछ भी कहा, स्वाद ही नहीं समझ में आता, क्यों जिह्वा कहीं चली गई है क्या, फिर भी स्वाद नहीं आता, ये क्यों नहीं आ रहा। ज्ञानेंद्रिय है, अनुभूति प्राप्त करने की उसकी क्षमता कम हो गई है, घट गई है, इसलिए अनुभूति नहीं ले पा रहा है। यह ज्ञानेंद्रियों में अनुभूति ग्रहण करने की क्षमता चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, और इसलिए ज्ञानेंद्रियों को भी मुक्ति चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को मुक्ति चाहिए जड़ता से, असंवेदना से, प्रमाद से। ये ज्ञानेंद्रियां यदि प्रमाद करेंगी, यदि ज्ञानेंद्रियां असंवेदनशील हो जाएंगी, अनुभूति अर्जित करने में अयोग्य हो जाएंगी, तो आप कोई भी अनुभूति ग्रहण कर नहीं सकेंगे। मैं सबको बहुत व्याख्यायित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समय की मर्यादा भी मुझे पालन करनी है, और इसलिए मैं एक सीढ़ी और आगे बढ़ता हूं। ये पांच ज्ञानेंद्रियां थोड़ा नया उदाहरण के साथ उसको जोड़ता हूं। आपके घर में छत पर डिश एंटीना लगा हुआ है, लेकिन कमरे में टीवी नहीं है। आपका एंटीना हो सकता है 360 चैनल कैच करता हो, लेकिन एंटीना का कनेक्शन जिस पर दिखाई देने वाला है वह आपके कमरे में रखा हुआ टीवी सेट नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे उसको। वो टीवी सेट कहने का आशय कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, लेकिन आपको जो भी कुछ उस पर प्राप्त हो रहा है उसको दिखाने वाली की स्क्रीन चाहिए ही।
आगे बढ़ें तो अंतःकरण, मैंने कहा बहिःकरण में दो हिस्से हो गए, एक कर्मेंद्रियों का, एक ज्ञानेंद्रियों का, लेकिन अंतःकरण का पहला ही करण है मन, जो मैंने अभी अभी कहा यह वह स्क्रीन है जिस पर इन पांचों चैनल्स, पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, इन पांचों से प्राप्त होने वाली अनुभूतियों को डिस्प्ले करने के लिए जो स्क्रीन लगी हुई है, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। इस स्क्रीन का नाम है मन। यह मन ही मनोविज्ञान का आधार है। भारतीय शिक्षा दर्शन में मनोविज्ञान कोई अलग तत्व, अलग एजुकेशनल फिलोसॉफी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये दो अलग अलग विषय नहीं है, दर्शन का ही विचार, दर्शन का ही, और यह भाव जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान के साथ ही, क्योंकि मन के बिना ये काम नहीं चलने वाला है। मैंने कहा कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, मैं जरा इस बात को पहले पूरी करूं फिर एक एक पर जरा अलग अलग व्याख्या करूंगा। यह मन रूपी स्क्रीन पर जो भी कुछ प्राप्त हो रहा, जो डिस्प्ले हो रहा है, अब स्क्रीन है तो डिस्प्ले ही होगा, जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है वह आगे चलकर सेव होता है या डिलीट होता है। हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसको डिलीट करने लगते हैं, लोड अधिक न हो जाए। हमारे अंदर भी ऐसे संदेश आते हैं, मैं इसी के उदाहरण में कहूं तो दिन भर में हमने 1000 नई बातें, या नई नहीं, रिपीट बातें हमने सुनी, देखी, छुई, चखी या सूंघी, पांचों ज्ञानेंद्रियों का जो जो काम है वो मैंने सरल भाषा में कहा है, यह किया। 1000 बातों में से सारे काम की तो नहीं थी। अगर मैं आपसे कहूं आज तारीख है 20, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 1 जून की शाम को भोजन में क्या सब्जी खाई थी, तो आप में से अधिकांश को याद ही नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं याद? कोई पुरानी बात पूछ रहा हूं, 20 दिन पुरानी बात तो है कुल। लेकिन आपसे अगर पूछूं कि आपके विवाह में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी बनी थी, तो आप में से कोई भूला भी नहीं होगा। लिख के याद करते हो रोज सुबह, फिर भी हम नहीं भूलते, क्योंकि वह एक विशेष बात, विशेष अवसर से जुड़ी हुई बात है, हम उसे भूलते नहीं। यह हमारे अंदर जो इनबिल्ट सिस्टम है, इस मन रूपी स्क्रीन पर पांच ज्ञानेंद्रियों रूपी चैनल से प्राप्त डाटा, इंफॉर्मेशन में से काम की चीजों को फिल्टर करके, जो उपयोगी हैं, वो काम की हैं, उनको एक हार्ड डिस्क में सेव कर दिया जाता है। यह फिल्टर को हमारे इस शिक्षा मनोविज्ञान में बुद्धि कहा, और वह हार्ड डिस्क जिसमें काम की बातें सेव हो गई उसको चित्त कहा गया। मन और चित्त ये दोनों समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान में, भारतीय शिक्षा दर्शन में, मन डिस्प्ले को एक्सेप्ट करने वाला, डिस्प्ले करने वाला स्क्रीन है। इसमें से काम की उपयोगी बातों को बुद्धि रूपी फिल्टर, अच्छी काम की उपयोगी, भविष्य में काम में आने वाली बातों को सेव कर देती है उस हार्ड डिस्क में, जिसका नाम चित्त कहा गया। आवश्यकता पड़ने पर, बाद में फिर आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्टोर में से, उस हार्ड डिस्क में से डाटा फिर निकालकर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। बुद्धि का काम दोनों ओर चलता है, मन से आई हुई बात को यह एसेस करना, जांचना कि सेव करने योग्य है तो हार्ड डिस्क में सेव कर देना, और फिर कभी आवश्यकता पड़ती है तो हार्ड डिस्क से निकालकर फिर मन रूपी स्क्रीन पर प्रदर्शित करना। अगर इसको ऐसा कहूं कि अगर आप केवल 10 सेकंड में इसका विचार करें, मैं एक शब्द बोलता हूं, आप कल्पना कीजिए, अभी चूंकि आमने सामने नहीं है इसलिए मैं प्रश्न ऐसे नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन आप मन में विचार करें, मैं एक शब्द बोलता हूं, आप केवल सोचिए वो क्या चीज है। मैं शब्द बोल रहा हूं, आम, मैंगो। 10 सेकंड में आपके मन में मेरे मुंह से शब्द सुनते ही जो विचार आया होगा, आप जितने भी बंधु और बहनें जुड़े हुए होंगे सबके मन में आम एक जैसा नहीं आया होगा। किसी को पेड़ पर पका हुआ, लटका हुआ आम दिखाई दिया होगा पेड़ की डाल पर, किसी को प्लेट में फांके बनाकर रखा हुआ आम दिखाई दिया होगा, किसी को देसी आम बाल्टी में या टब में, किसी बर्तन में पानी में भिगोए हुए दिखाई दिए होंगे, किसी को बाजार में ठेली पर जाता हुआ आम दिखाई दिया होगा, आम वही है। किसी बहन को शायद कच्ची आम भी, जो नमक लगाकर खाते हैं, वो भी जो उनको पसंद होगी तो वो दिखाई दी होगी, आम वही है, अनेक रूपों में दिखाई देता है। कहां से आया ये आम?
मेरा एक शब्द वही आम आप में से अलग अलग लोगों को अलग अलग स्वरूप क्यों दिखाता है, क्यों याद आता है? और वह स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि हमारे चित्त में उसकी जो छवि संग्रह हो गई थी वही छवि दोबारा स्क्रीन पर लौटकर आती है, आपको जो वाला जच गया था वही आप दिखाई देता है। यह मन बुद्धि और चित्त का आपसी संयोजन ही यह भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है। सारा भारतीय शिक्षा दर्शन और शिक्षा मनोविज्ञान इसी आधार पर चलता है। चारों के काम अंतःकरण के मैंने अभी तीन का नाम ले दिया, मन बुद्धि और चित्त। अपने यहां श्लोक है, मनोबुद्धि अहंकारा चित्तम करणमंतरम, ये चारों के नाम आ गए, मनो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और चारों के काम भी बता दिए गए। अगली पंक्ति में संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषया इमे, इनके विषय हैं मन का काम है संशय करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है गर्व करना, और चित्त का काम है स्मृति संधारण करना, रिटेंशन ऑफ मेमोरी करना। अब इसके आधार पर किसको किससे मुक्ति की आवश्यकता है, मैं मन पर प्रारंभ करता हूं। सर्वाधिक समय मैं इस पर लूंगा, बाकी की बातों को मैं समय सीमा के अंदर पूरा करूंगा, क्योंकि मनोविज्ञान की चर्चा करनी है इसलिए मन तत्व की चर्चा, मन बुद्धि चित्त पर थोड़ा ज्यादा केंद्रित रहूंगा, बाकी बातें थोड़ी आध्यात्मिक है उन पर थोड़ा समय कम लगाऊंगा। मन का काम है, जैसे मैंने कहा, ज्ञान इंद्रियों का काम ज्ञान अर्जन करना, अनुभूतियां अर्जित करना, कर्म इंद्रियों का काम कर्म करना, ऐसे ही मन का काम है इच्छा करना, विचार करना, कल्पनाएं करना, कामनाएं करना, छवियां निर्मित करना, इमेजेस क्रिएट करना, संकल्प और विकल्प करना। ये बड़ा प्रचलित शब्द युग्म है, आजकल बड़ा संकल्प विकल्प में फंसा हुआ हूं मैं। तो यह संकल्प और विकल्प का विषय किस प्रकार से है? जी विनोद जी, मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर आ रहा हूं, लगभग 5 मिनट बाद आप इसका उत्तर सुन लेंगे। यह जो काम है मन का, इच्छा करना, विचार करना, कल्पनाएं करना, संकल्प विकल्प में पढ़ना, यह संकल्प विकल्प केवल शब्द युग्म नहीं है, जैसे पेड़ पौधा या ईंट पत्थर। यह संकल्प यानी सम्यक कल्प, जो सं उसके पहले लगा हुआ उपसर्ग है उसका अर्थ है सम्यक कल्प। वे प्रकार के विचार जो हमारी ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, सुगम बनाते हैं, जैसे गौरव का भाव, श्रद्धा का भाव। कोई भी कोई चीज सीखते हैं किसी से तो जिसके प्रति मन में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, विश्वास का भाव होता है, वह मुझसे अधिक जानता है। ये भाव जब तक है उसके मन में तब तक वो आपसे सीखता है। जिस दिन विद्यार्थी को ऐसा लगने लगा कि अरे गुरुजी पुराने आदमी, इनको क्या पता, मेरे पास ज्यादा अकल है, टेक्नोलॉजी देखो मैं बढ़िया से बढ़िया जानता हूं, उस दिन सीखने की प्रक्रिया ठप्प हो जाती है। ये सभी संकल्प यानी सम्यक कल्प हैं, पॉजिटिव पार्ट हैं, एटीट्यूड का, सोचने का यह पॉजिटिव पार्ट है। ये सब ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को सहायक हैं, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। विकल्प यानी विरुद्ध कल्प, विपरीत कल्प, इसमें जो वी उपसर्ग है वह विरुद्ध या विपरीत का परिचायक है। इसको स्मरण रखना, क्योंकि मुक्ति किससे पाना, तो संकल्पों से मुक्ति नहीं पाना। संकल्प तो अच्छी चीज है, आपको सीखने में, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सरल बनाने में सहायक हो रहे हैं। हमें मुक्ति पाना तो विकल्पों से मुक्ति पाना। तो विकल्प क्या है जो मन के ऊपर प्रभाव यदि डाल देते हैं तो वह हमें सीखने में सहायता करने के बजाय हमारी सीखने की प्रक्रिया को शिथिल कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं। और इसलिए विकल्प को अपने यहां हम सब खूब सुनते पढ़ते बोलते हैं। मन के बारे में विनोद जी आपके प्रश्न का उत्तर यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता का संभवतः छठे अध्याय में, और मेरा अनुमान है कि कुछ 34वां 35वां ऐसा कुछ श्लोक होना चाहिए, अर्जुन कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण वायुरिव सुदुष्करम। इस पर नियंत्रण करना ऐसे ही है जैसे चलती हुई तेज वायु के प्रवाह को रोकना दुष्कर है, वैसे ही मन की गति को
रोकना कठिन है, अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन की जिज्ञासा है, अर्जुन की शंका है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण तुरंत उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो इसमें कोई शंका नहीं है, मनो दुर्निग्रहम वलम, बहुत दुर्निग्रह है, आसानी से नियंत्रण में कंट्रोल में आता नहीं है, लेकिन अभ्यासेनु तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो प्रकार बताए, अभ्यास से और वैराग्य से मन रूपी अश्व पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, भले ही वो वायुरिव दुष्कर्म है लेकिन फिर भी उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। कबीर बड़ी सरल भाषा में कहते हैं, मन पांचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पांच। किन पांचों के बस पड़ा? तो वही जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार। मन के बस नहीं पांच, ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, मन को मन का काम है उन पर नियंत्रण करना, लेकिन मन के बस में वो पांच नहीं है, जित देखूं तित दौं लगी, जित भागूं उत आँच, जिधर देखता हूं दावा नल लगा हुआ है, जिधर भागना बचने की कोशिश करता हूं उधर ही देख रहा हूं अग्नि की लपटें आ रही हैं। यह जो मन की चंचलता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हम मोक्ष की चर्चा, मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेयी संहिता कहती है कि यह मन ही है जो हमको बंधन में भी डाल सकता है, जो हमको मोक्ष भी दिला सकता है, और इसलिए इस मुक्ति के मार्ग के लिए मन की चर्चा यह वास्तव में बहुत आवश्यक है। विकल्प अर्थात विरुद्ध कल्प यानी वे तत्व, वे प्रकार के विचार जो मन के ऊपर यदि नियंत्रण करके बैठ जाएं तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। और मैंने अभी पांच का तो नाम लिया, अपने यहां षड रिपु कहा गया, उसमें एक मात्सर्य यानी ईर्ष्या को और जोड़ा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। शिक्षा की दृष्टि से अगर जुड़े तो यह पांच और एक छह के बाद दो को और जोड़ लीजिए, अष्ट रिपु मान लीजिए, भय और क्रोध, भय और शोक, ये यदि और जोड़ लिए जाएं तो ये सारे विकल्प यानी विरुद्ध कल्प हैं जो मन के ऊपर कब्जा जमा कर बैठ जाएं तो हम कुछ नहीं सीख सकते। और ये अलग अलग हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक उत्पन्न होता है, इनका क्रम भी बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय और शोक, ये एक क्रम में चलते हैं, एक का परिणाम दूसरा होता है। मैं एक सरल उदाहरण से, डॉक्टर सोमू सिंह जी मुझे क्षमा कर देंगे, मैं आपका नाम लेकर उदाहरण दे रहा हूं। मैं और सोमू सिंह जी एक ही पार्टी से, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही टिकट पाना चाहते हैं, विधानसभा या लोकसभा या किसी का भी। ये उदाहरण है, मेरी भी कोई इच्छा नहीं है सोमू सिंह जी का, मुझे पता नहीं, शायद उनकी भी ना हो राजनीति में जाने की इच्छा। यह जो एक इच्छा, एक कामना मेरे मन में उत्पन्न हुई और सोमू सिंह जी के मन में उत्पन्न हुई, दोनों के मन में एक कामना उत्पन्न होती है, विधानसभा का टिकट एक ही पार्टी से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पाना। अब यहां से आगे कहानी को जोड़ते जाइए, मुझे पता लगता है कि सोमू जी का फाइनल हो रहा है टिकट, इनके प्रति मेरे मन में कौन सा भाव आएगा? क्रोध, काम से अगला पॉइंट आ गया, काम कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं इतने साल से पार्टी में काम कर रहा हूं, ये भी काम कर रहे हैं, ये तो मेरे जूनियर आदमी है, नए आदमी है, ये कैसे टिकट पा जाएंगे? अब मैं इसके लिए जाता हूं, जरा बड़े नेताओं से मिलता हूं, पार्टी फंड में कुछ देने लेने की बात करता हूं, कैसे भी मिलना चाहिए मुझको टिकट। लोभ नहीं मिलता है, फिर भी लगता है कि इनकी पैरवी ज्यादा है, तो उसके लिए मैं तरह तरह के अच्छे गलत सही कहीं कहीं इनका चरित्र हनन करने का भी प्रयास करूंगा, बाकी भी करूंगा, अपने आप को आगे बढ़ाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सो मुझे मैंने मान लिया कि आपकी राजनीति में जाने की एकदम इच्छा नहीं है, मेरी भी नहीं है, हम दोनों लोग एक तरह के हैं इस दृष्टि से, और इसलिए इसमें काम और परिणाम क्रोध, उसका पूरा ना होना, क्रोध के बाद लोभ और लोभ के परिणाम स्वरूप अंततः मोह उत्पन्न होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, मैं सब तरह के अच्छे और गलत तरीके अपनाने लगता हूं, यह मोह है।
काम क्रोध लोभ मोह। अब टिकट डिक्लेयर हुआ और मुझे मिल गया तो मद अहंकार, देखा बड़ा जोर लगा रहे थे सोमू जी, मिला तो आखिर मुझे ही ना, मेरी स्टैंडिंग देखो पार्टी में कितनी पुरानी है। मद हो गया, अहंकार हो गया, और मुझे नहीं मिला, कहानी पलट गई, सोमू जी टिकट ले गए तो छठवां मात्सर्य, ईर्ष्या उत्पन्न हो गया। अच्छा ये ऐसा क्या कर रहे थे जो इनको मिल गया, मैं क्या करूंगा, जरा अपने जो मेरे समर्थक हैं उनसे कहूंगा, हाँ ऊपर ऊपर प्रचार तो करते रहो लेकिन कोशिश यही करना कि अब ये टिकट तो ले आए हैं, जीत तो तभी आएंगे ना जब हम वोट दिलवाएंगे, बस ऐसे घूमो जरा साथ में, लेकिन इनको टिकट मिल गई है ठीक है, वोट ना मिल जाए ध्यान रखना, लेकिन मुझे मालूम है कि इनका जरा जनबल धनबल बाहुबल अधिक है और इसलिए मेरे मन में इनके प्रति भय उत्पन्न होता है। और फिर अंततः चुनाव परिणाम निकलते हैं और सोमू जी जीत जाते हैं और इनका विजय जुलूस निकलता है, मैं घर में कुप भवन में चला जाता हूँ, शोक उत्पन्न होता है, ये जीत गए इतने सबके बाद भी ये जीत गए, ये शोक का विषय बन जाता है। प्रारंभ कामना से हुआ था, यह काम ने ही क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय और शोक सा अष्ट रिपुओं को जन्म दिया। इन सब के ये सारे बाधक तत्व हैं, मन में इनमें से किसी का भी अगर प्रभाव हुआ, गौरव जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सोमू जी की आवश्यकता और गौरव जी की आवश्यकता, शिक्षा को ही अधिक है, राजनीतिक चक्कर में पड़ मत जाना, मैंने तो कभी उस तरफ कदम बढ़ाया नहीं, और इसलिए इन विकल्पों से, इन विरुद्ध कल्पों से, इन विपरीत प्रभावों से मन को अपने निगेटिव जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं इनसे किसी प्रकार से बचाने की कोशिश करना। मन के लिए दो जगह और चर्चा आती है, केवल मैं संदर्भ याद दिला रहा हूं आपको, एक स्थान पर तो यक्ष प्रश्न महाभारत में, यक्ष अनेक प्रश्न पूछता है, उसमें एक प्रश्न ये भी है, स्मरण आ गया होगा आपको, वायु से भी तीव्र गति किसकी है, और धर्मराज उत्तर देते हैं मन की। हम में से अनेक बंधु जो इस समय यहां मेरी बात सुन रहे होंगे, स्क्रीन के सामने होंगे, लेकिन इतने बीच में किसी मित्र परिचित से मिल आए होंगे, हालचाल पूछ आए होंगे, माता जी स्वस्थ होंगे उनका हाल पूछ लिया होगा, किसी मित्र को कोई बात बतानी है तो बता भी ली होगी और घर की भी बहुत सारी चिंता कर ली होगी, लेकिन हम यहीं स्थापित हैं, यह मन है जो कहीं भी वायु से भी तीव्र गति से घूमकर वापस आ जाता है, यह एक जगह उत्तर है। एक दूसरा स्थान महाभारत में उसका वर्णन आता है, वो कहते हैं युद्ध समाप्त हो गया है, भीष्म पितामह शरशय्या पर हैं और उस समय बात आती है, श्री कृष्ण कहते हैं भाई तुम लोगों ने युद्ध लड़कर जीत तो लिया, राज्य मिल गया, राज्य संचालन करना आता है क्या तुमको, जिन्होंने 160 वर्ष हस्तिनापुर का राज्य संचालन किया, ऐसे भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में है, उनसे जाकर सीखो राज्य संचालन कैसे किया जाता है। और इसलिए कृष्ण की प्रेरणा से पांचों पांडव द्रौपदी और श्री कृष्ण स्वयं भी जाते हैं, अनेक प्रश्न, एक पूरा पर्व महाभारत का इसी पर, अनेक प्रश्न है, ये सब विष्णु सहस्त्रनाम वगैरह उसी में से निकले हैं, उसमें ही एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर पितामह, आपका नाम देवव्रत था परंतु आप तो इतनी भीषण प्रतिज्ञा कर बैठे कि आपका नाम भीष्म हो गया, जरा ये बताइए हमको, कहते हैं मन की गति तो बड़ी तीव्र है, बड़ा चंचल होता है मन वायु के समान, मैं भी जवाब दे आया हूं यक्ष को, लेकिन जरा ये बताइए कि आपने मन के ऊपर नियंत्रण कैसे लिया, मन की गति के बारे में हमको उपदेश कीजिए। और वहां पर पितामह जो उत्तर देते हैं उस श्लोक की एक पंक्ति ही यह पर्याप्त है, उदाहरण में कहते हैं मरकटश्च सुरापाई तन्न वृश्चिक दंशक, मन की गति कैसी है, मरकट यानी वानर बंदर कितना चंचल होता है स्वभाव से, च सुरापाई उसने सुरापान मदिरा पान कर लिया तब उसकी चंचलता कैसी होगी, तन्न वृश्चिक दंशक और उस सुरापान किए हुए बंदर को बिच्छू ने वृश्चिक ने दंश मार दिया, डंक मार दिया तो उसकी चंचलता की स्थिति कैसी होगी, जैसे उस बंदर की स्थिति वैसे हमारे मन की स्थिति। अब प्रश्न यह है कि मन की स्थिति यदि ऐसी है तो वह हमको क्या सिखा समझा सकता है, कठोपनिषद का मैं एक उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अपने यहां कहीं तैतरीय की कहीं श्रीमद् भगवद्गीता की कहीं, क्योंकि हमारे यहां शिक्षा मनोविज्ञान पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई,
हमने स्थान स्थान पर उसके संदर्भ दिए जहां जैसी आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवद गीता भी मनोविज्ञान का बड़ा ग्रंथ है, पातंजल योग सूत्र भी मनोविज्ञान का बड़ा ग्रंथ है, और इसलिए उसमें से मैं कठोपनिषद की भी एक बात कहता हूं, एक रूपक एक उदाहरण दिया है कठोपनिषद ने। आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, हमारा ये शरीर ऐसे ही एक रूपक श्री कृष्ण भी गीता में एक स्थान पर देते हैं अर्जुन को, ये शरीर रथ के समान है, इस रथ में 10 घोड़े 10 अश्व जुते हुए हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। घोड़े का स्वभाव है दौड़ पड़ना, किधर जिधर उसका मुंह उठा हो। अब ऐसा रथ जिसके 10 घोड़े 10 दिशाओं में दौड़ने लगे तब कैसा काम चलेगा, रथ का क्या हाल होगा। और इसलिए उन घोड़ों को लगाम देने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए जिस वल्गा की आवश्यकता है, उसके लिए मन प्रग्रह मेवच, ये मन रूपी लगाम है जो उस पर नियंत्रण करने के काम में आती है। और ये नियंत्रण कैसा होता है, जिस घोड़े की दिशा भटकते देखा वह अपने अपने विषय की ओर दौड़ते हैं, मन उनको लाइन पर ले आता है, दिशा ठीक कर देता है। लेकिन अभी तो मैं सारी बात इस पर कर रहा हूं कि मन तो खुद ही, लगाम तो खुद ही इतनी चंचल है, वह क्या करेगी। इसलिए एक और बात, लगाम नियंत्रण नहीं करती घोड़े पर, लगाम के माध्यम से वह व्यक्ति नियंत्रित करता है जिसके हाथ में लगाम होती है, जिसको हम सारथी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जिस रोल में जिस भूमिका में हैं, ये सारथी है जो लगाम के माध्यम से वल्गा के माध्यम से नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह वास्तव में बुद्धि का कार्य है, मन के ऊपर नियंत्रण करना। और इसलिए मन के और बुद्धि के बीच का संतुलन, इसको अगर आज की भाषा कहा जाए तो मन जो है वह इमोशंस क्रिएट करता है। अभी मैंने कहा था, इच्छा करता है, विचार करता है, कामनाएं करता है, संकल्प विकल्प करता है, छवियां निर्मित करता है। बुद्धि निर्णयात्मक है, निश्चयात्मक है। बुद्धि मन के ऊपर नियंत्रण कर सकती है, आधुनिक शब्दावली में इसको कहें तो द बैलेंस बिटवीन द इमोशंस एंड द इंटेलिजेंस। हमारा इमोशनल कोशेंट और हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट दोनों को लेकर प्रबंधन शास्त्र से लेकर मनोविज्ञान सब में खूब चर्चा होती है इन कोशेंट्स की, परंतु कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि नहीं साहब यही केवल काम का है, इमोशनल कोशेंट ही बहुत अच्छा होता है या इंटेलिजेंस कोशेंट ही बहुत अच्छा होता है। सब कोई अंततः यही कहते हैं। आजकल तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट, सोशल कोशेंट आदि भी जुड़ गए हैं। ये सारे कोशेंट्स की बात करें तो इन सबके बीच में बैलेंस की, संतुलन की आवश्यकता है। हनुमान जी जिस काम के लिए गए हैं अशोक वाटिका में, पेड़ के ऊपर बैठे हुए पत्तों के बीच से झांक कर देख रहे हैं, रावण आया है, समझा भी रहा है, डरा धमका भी रहा है, अरे टारगेट तो सामने है, कूद पड़ते ना, इतनी शक्ति तो थी उन्हें, मालूम था इतनी शक्ति कि वो रावण को वहीं निपटा सकते थे, सीता जी को वापस लेके चल देते, आगे किससे ही खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं किया। इंटेलिजेंस यहां पर इमोशंस के ऊपर हावी है। इमोशन क्या है, सीता जी सामने बैठी हैं, उनको ले जा सकता हूं, रावण सामने है, उसका वध भी कर सकता हूं, और इसलिए इमोशंस को इंटेलिजेंस के साथ कंट्रोल करना। लेकिन केवल इंटेलिजेंसिया ही केवल होना ही अच्छा नहीं है, उसके बजाय यहां पर इंटेलिजेंस का प्रयोग इमोशंस, मैनाक रास्ते में रोकता है, सुरसा रास्ते में रोकती है, लंकिनी रास्ते में रोकती है, परंतु इन सब को भी जोड़ते हुए, इन सब में भी इंटेलिजेंस और इमोशंस के बीच में यह ठीक प्रकार का नियंत्रण रखना। बुद्धि का काम है मन के ऊपर जो यह 8 रिपुओं का नियंत्रण है उससे उसको बचाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय और शोक, इन सब से बुद्धि का काम है मन को विचार पूर्वक बचाकर रखना। यह सारी चीजें ही बाधा डालती हैं, इस बाधा से बचाना। और इसलिए मन द्वंद्वात्मक है, मन निर्णय नहीं करता, रचनाएं करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है, लेकिन निर्णय नहीं करता। बुद्धि का काम है प्राप्त जानकारियों को, आने वाले जो स्क्रीन, मन रूपी स्क्रीन पर जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, उन डिस्प्लेड इंफॉर्मेशंस में से एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, संश्लेषण और विश्लेषण करके,
तुलना करके, तर्क करके, विभिन्न प्रकार से विवेक का परिणाम, विवेक का प्रयोग करते हुए बुद्धि का काम है मन के ऊपर भी नियंत्रण करना। यह मन रूपी जो तेज दौड़ने वाला, अलग अलग भागने दिशाओं में भागने वाला, दस गुणों के कारण दस दिशाओं में जाने वाला है, यही वास्तव में उनका आपसी जो सहसंबंध है, वही वास्तव में हमारे लिए शिक्षा का उद्देश्य भी बन जाता है। मैं जब, क्षमा करेंगे मुझको श्लोक पूरे पूरे, और श्लोक को अशुद्ध उच्चारण करना ये ठीक नहीं है, इसलिए उस श्लोकों को मैंने और लिख लिख कर रखा है, मैं उसमें से आपको केवल पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि सभी मुझे स्मरण नहीं रह जाते, श्लोक अशुद्ध उच्चारण होगा। इसलिए यहां पर मैं जरा इस संदर्भ को फिर से ला रहा हूं, मन और बुद्धि के बीच के इस विषय को। श्रीमद् भगवद् गीता के तीसरे अध्याय में, फिर से शायद 34वें 35वें 36वें से 38वें तक श्लोक की बात है। अभी मैंने एक श्लोक इसी तीसरे अध्याय का कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सबको प्रकृति ने अपने अपने गुण देकर भेजा है। इसमें से एक प्रश्न, अर्जुन के पास तो प्रश्नों की बाढ़ है, भंडार भरा पड़ा है, जैसे उसके तर्कश में तीर हैं वैसे मन में प्रश्न है, तुरंत वो प्रश्न पूछता है 34वें श्लोक में। यदि सबको प्रकृति ने अपने अपने गुण देकर, विचार करने की क्षमता देकर भेजा है, तो फिर वो उनके वश में न होकर अन्य रास्तों पर क्यों चला जाता है? प्रकृति अगर ऐसी है तो किसकी प्रेरणा से, श्लोक है अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः, बलादेव नियोजित, बलपूर्वक जिसको नियोजित, साधारण भाषा में कहते बंधुआ मजदूर की तरह, वह फिर किस अन्य बातों के चक्कर में क्यों आ जाता है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके चक्कर में कैसे पड़ जाता है? मन का काम तो इन सबके बीच में पड़ने, क्यों? प्रकृति के आधार पर मन बनता है। चंद्रमा मनुषु जातः, तो अगर प्रकृति के आधार पर सारा काम चल रहा है तो फिर ये कैसे उसके वश से बाहर निकल कर, उनके वश में न रहकर और दूसरी तरफ चल देता है? अनिच्छिन्नपि, बिना इच्छा के, लेकिन ऐसे जैसे बलादेव नियोजित, उसे जबरदस्ती लगा दिया गया हो। श्री कृष्ण के पास उत्तरों का भी बाढ़ है। मैं प्रायः कहता हूं टीचर एजुकेटर वह सफल है, क्षमा करें मैं अपने को श्रेणी में गिनने का साहस नहीं संजो रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता में 20 बार अर्जुनो वाच है, तो 20 उत्तर भी होने चाहिए। अर्जुन ने 20 प्रश्न पूछे, 20 उत्तर होने चाहिए। 20 बार अर्जुनो वाच है और श्री भगवानो वाच 27 बार है। टीचर एजुकेटर केवल वही सफल हो सकता है जो 20 प्रश्नों के 27 उत्तर हमेशा अपनी जेब में रखे, अपने मन में रखे, यहां पर उसको उत्तर देने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण तुरंत तीन उदाहरण, तीन उपमाएं प्रस्तुत करते हैं। श्लोक शायद 37वां या 38वां होगा, एकदम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। धूम्रेना व्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च, धूम्र से आवृत्त अग्नि, अग्नि दिखाई देनी बंद हो जाती है जब धुएं से ढक जाती है, धुएं से ढकी हुई अग्नि। दर्पण मल से ढक जाता है तो उसमें अपना चेहरा दिखना बंद हो जाता है, यथादर्शो मलेन च। और तीसरा उदाहरण, यथोल्बेनावृतो गर्भस, जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, जैसे धुएं से ढकी हुई अग्नि, जैसे मल से, धूल से ढका हुआ दर्पण, और जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ दिखाई नहीं देता, वैसा ही यह मन रूपी भी हमारा जो दर्पण है, या मन रूपी हमारा स्क्रीन है, यह भी प्रकृति के विपरीत आवृत्त हो जाता है इन चीजों से, ये जिनकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे आवृत्त हो जाता है। यही माया है जिस माया के आधार पर हम अपने उस मूल दिशा से, मूल कर्तव्य से, मूल रास्ते से भटक जाते हैं। यह
धुएं को हटा दीजिए, अग्नि प्रकट हो जाएगी। धुएं का कोई कारण है, धुएं को कारण हटा दीजिए, अग्नि प्रकट हो जाती है। दर्पण के सरफेस को पोछ दीजिए, चेहरा दिखने लगता है और जेर से गर्भ प्रकट हो जाता है, यह आवृत्त हो जाता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग की चर्चा करती है, ज्ञान योग की चर्चा करती है, भक्ति योग की चर्चा करती है, इस मन और बुद्धि को नियंत्रण में लाने की बात करती है। सम्यक आख्यायते इति सांख्य, सम्यक आख्या, वो सांख्या ने संख्या वाला नहीं, सांख्यिकी वाला सांख्य नहीं है, सम्यक आख्यायन जिसमें किया गया वह सांख्य है, उस सांख्य योग की चर्चा करती है। मैं उसकी व्याख्या करूंगा तो एक घंटा पूरा उसमें भी लगाऊंगा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक साधारण उदाहरण रामचरितमानस से आपके सामने निवेदन करता हूं। वहां वे भी ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों की चर्चा करते हैं। ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। ये भव संभव खेद है, इस सृष्टि में इस भव सागर में रहने पर ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भय शोक उत्पन्न होते हैं। उभय हरहि भव संभव खेदा, आप ज्ञान मार्ग से चलकर भी इनको हटा सकते हैं, भक्ति मार्ग से भी चलकर हटा सकते हैं। लेकिन तुलसी बाबा बहुत सरलता से बता देते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, ज्ञान का मार्ग ऐसा है जैसे कृपाण की धार पर चलना, जरा पैर फिसला जरा विचलित हुए, विश्वामित्र बड़े ज्ञानी मुनि थे ऋषि थे, परंतु जरा विचलित हुए मेनका के सामने आने पर, तो विचलन किसी को भी हो सकता है। ज्ञान पंथ कृपाण कई धारा, एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन, दो उदाहरणों से मैं उसके केवल निवेदन करता हूं। पहला, इस मन और बुद्धि के संयोजन को लेकर, यहां तुलसी बाबा की कृपा से मैं जो समझ पाया हूं उसको अपनी थोड़ी बुद्धि, तुलसी बाबा की ज्यादा कृपा से जो मैं निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं, इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर को उन्होंने ज्ञान और भक्ति के मार्ग, उन्होंने कहा है कि दोनों से उभय हरहि भव संभव खेदा, लेकिन ज्ञान पंथ थोड़ा कठिन मार्ग है, और यहां पर जो कठिनाई है उसके बारे में जो उन्होंने सरलता बताई। ज्ञान पुल्लिंग है, माया को जीतने की आवश्यकता है, माया स्त्रीलिंग है, प्रकृति प्रदत्त गुण के कारण यह पुल्लिंग ज्ञान स्त्रीलिंग माया के प्रति आसक्ति अनुभव कर सकता है, इसलिए मार्ग थोड़ा कठिन है। लेकिन भक्ति स्त्रीलिंग है और माया भी स्त्रीलिंग है, मोहना नारी नारी कई रूपा, नारी नारी पर आसक्ता नहीं होती है, और इसलिए भक्ति का मार्ग सरल है। ज्ञान के मार्ग की कठिनाई जिनको लगती हो, जो ज्ञान मार्ग पर नहीं जा सकते, उनके लिए भक्ति का मार्ग सरल है। बहुत सरल व्याख्या की जाती है, एक बंदर का बच्चा है जो कस के अपनी माँ को पकड़ता है, माँ इस डाली से उस डाली, इस छत से उस छत, इस घर से उस घर कूदती है, बहुत कस के पकड़ता जाता है, जैसे जैसे उसको झटका लगता है, फिर भी कभी कभी बंदर का बच्चा माँ को छोड़कर गिरता है, नीचे भूमि में आ जाता है, गिर पड़ता है। एक दूसरा प्रकार है जिसमें साधक कुछ नहीं करता, बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वो सात घरों में घुमाती है तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं, बिल्ली के दांत बड़े पहने हैं लेकिन वो ले जाने के लिए किस कैरियर का इस्तेमाल करती है, अपने मुंह में दबाकर बिल्ली इस घर से उस घर, इस छत से उस छत जाती है, लेकिन कहीं बिल्ली के बच्चे के शरीर पर कोई दांत का चिन्ह नहीं आता। ये भक्ति मार्ग है जिसमें साधक सब कुछ अपने साध्य पर छोड़ देता है, ये भक्ति मार्ग है। मन को नियंत्रण में बुद्धि के माध्यम से करना तो ज्ञान मार्ग है, जिसमें बंदर के बच्चे की भांति आप कसके अपनी माँ को पकड़ते हैं, यानी ईश्वर को पकड़ने का प्रयास करते हैं, कभी सफल होते हैं कभी हाथ छूट भी जाते हैं। और दूसरी ओर भक्ति मार्ग, यह एक प्रकार से कहा जाए तो यह बिल्ली के बच्चे की भांति है, हम नहीं पकड़ते, वो स्वयं हमको संभाले रहता है, दांत का निशान भी नहीं पड़ने देता और मुंह से छूटकर गिरने भी नहीं देता, यह भक्ति मार्ग है। इन दोनों मार्गों को ही हमारे यहां यह मुक्ति का मार्ग कहा गया है, और इसलिए इस मुक्ति के मार्ग, इस जमी हुई धूल जो दर्पण पर है उसको हटाने के जो विभिन्न मार्ग हैं, उनकी चर्चा इन विभिन्न माध्यमों से की गई है। यहां पर मैं मनोविज्ञान पर, बुद्धि वाले तत्व पर आने के पहले बस जरा छोटी सी दो बातें और निवेदन करूंगा और फिर आगे बढ़ता हूं।
भारतीय मनोविज्ञान की जो परंपरा है उसमें यह ज्ञान और भक्ति तो मोक्ष का मार्ग हो गया, लेकिन एक दो बातें जो बहुत महत्व की हैं, एक तो यह कि कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता, ज्ञान सब कुछ अंतर्निहित है। शिक्षा का काम यह ज्ञान को, स्वामी विवेकानंद जी का वो वाक्य अगर आपको स्मरण आ गया हो, वे कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इनसाइड में, मनुष्य के अंतर्निहित उस क्षमता का वह प्रस्तुतीकरण करना, उसको अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट करना, यह शिक्षा का काम है। और उसके लिए मन और बुद्धि के, इमोशंस और इंटेलिजेंस के बीच के ठीक संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने अभी कहा कि मल दर्पण से मैल को, धूल को हटाना। दूसरी चर्चा अंतःकरण चतुष्टय, जिसकी मैंने अभी चर्चा की, मन बुद्धि और चित्त अहंकार, इसका प्रयोग किए बिना, वहां पाश्चात्य मनोविज्ञान में जहां केवल मन तत्व, और वो मन को केवल ब्रेन या माइंड मानते हैं, मन नाम का तत्व, क्योंकि मेडिकल साइंस से वो प्रूव होता नहीं, शरीर का पोस्टमार्टम भी कर लीजिए तो आपको न मन दिखाई देगा, न बुद्धि दिखाई देगी, न चित्त दिखाई देगा, न अहंकार दिखाई देगा, इसलिए इन सबसे बाहर है। तीसरी बात इसी से जुड़ी हुई, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञानार्जन के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, शब्द ज्ञान और अंतर ज्ञान, इन चारों का बराबर महत्व माना गया भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान में। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी जो अपने ज्ञानेंद्रियों से अर्जित किया है, लेकिन अनुमान ज्ञान को भी हमने गलत नहीं माना। साइंटिफिकली आप उसे लेबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते होंगे, तो भी अनुमान ज्ञान बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के संभव नहीं है। आप सुबह सोकर उठे, कमरे के अंदर सोए थे, बाहर छत पर या आंगन में नहीं सोए हुए थे, सुबह सोकर उठे और आपने आंगन गीला देखा या सड़क गीली देखी, तो कैसे अनुमान लगाते हैं? रात में बारिश हुई क्या? पूछते ना, तो बारिश हुई कैसे पता लगा? इसके पहले अगर आपने बारिश होने पर आंगन को या छत को या सड़क को गीला नहीं देख रखा होता, तो आपके मन में ये विचार कैसे आता? अनुमान भी प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित है। दूर कहीं धुआं दिखाई देता, आप कह रहे कहीं आग लग गई, आपने पहले देखा होगा ना कि आग लगने पर धुआं भी निकलता है, तो स्वाभाविक रूप से हमको इस बात का भी विचार करने वाली आवश्यकता महसूस होती है कि अनुमान का ज्ञान यह भी कोई गलत या अनप्रूव्ड नहीं, किसी और ने इसको ज्ञान को प्राप्त किया ही होगा। शब्द ज्ञान और अंतर ज्ञान, जो सारी भावनाएं हैं वे अंतर ज्ञान है, शब्द ज्ञान है जो हम सुनकर पढ़कर देखकर सीखते हैं, वह शब्द ज्ञान है, और अंतर ज्ञान है जो हमको भावनाओं के रूप में ये वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित करने पर, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव, ये सब भाव किसी शिक्षा में नहीं दिए जा सकते। और इसलिए ज्ञान विज्ञान आख्यान और रहस्य, इन चारों को ही हमने शिक्षा का अंग मान लिया। जो ज्ञान है, जो सिद्ध हो गया, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आख्यानों में भी कहीं ना कहीं कोई तत्व होगा, उसको हम आज खोज नहीं पा रहे, और ऐसा भी बहुत कुछ है जिसको आज हम रहस्य मानते हैं, जिसका हमें उत्तर नहीं मालूम ये कैसे हो गया, फिर भी हम उसमें से कोई ना कोई ज्ञान का मार्ग खोज ही लेते हैं। और इसलिए इस बुद्धि के तत्व को मन पर नियंत्रण करना है, इसलिए बुद्धि को भी मुक्ति चाहिए, बुद्धि को भी मुक्ति चाहिए। पातंजलि योग शास्त्र बुद्धि के ऊपर पंच क्लेश के प्रकोप का वर्णन करता है। पांच प्रकार के क्लेश हैं जो बुद्धि पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके बैठ जाएं तो बुद्धि कुछ भी सीख समझ नहीं सकती है। और वो पांच जो कंट्रोल करने वाली चीजें हैं, बुद्धि को भी भ्रमित करने वाली चीजें हैं, उनको कहा गया, पंच क्लेश कहा गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये पंच क्लेश ऋषि पतंजलि अपने योग शास्त्र में, योग सूत्रों के रूप में लिखते हैं। मैं इनकी व्याख्या बहुत नहीं करूँगा, मैं घड़ी भी देख रहा हूँ बीच बीच में, और इसलिए इसकी व्याख्या के लिए पतंजलि योग सूत्र या उसकी जो टीकाएं हैं उन पर हम अध्ययन कर सकते हैं। मैं अभी एक एक दो दो वाक्य में इनकी बात पूरी करूँगा। अविद्या पहला तत्व, बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को यदि ग्रस्त कर ले तो बुद्धि ज्ञानार्जन के योग्य नहीं रहेगी, भ्रमित कर देगी। पहला है अविद्या, अर्थात जो अनित्य है, जो कृत्रिम है, जो अपवित्र है,
जो वास्तविक नहीं है, जो अनात्म है, आदि आदि जो हमारे यहां कही गई, इसको उल्टा कर दीजिए। इन्हीं सब को, जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना, जो अनात्म है उसको आत्मा मान लेना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना, जो दुख का कारण है उसको सुख का कारण मान लेना, यह अविद्या है। मैंने प्रारंभ किया था पराविद्या, पराविद्या आयासाया परम कर्म विद्यन्या शिल्प नेपुणम, वहां पर मैंने कहा था यह अविद्या नहीं है, वह भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वही वही अगर उसके पीछे लगे रहे तो फिर हम दिशा से कहीं भ्रमित भी हो सकते हैं, और इसलिए हमको इसकी भी आवश्यकता है। इसलिए कहा गया कि यह जो मन का गुण है, मन को सीखने योग्य बनाने के लिए, मैं बुद्धि के क्लेश की बात, पंच क्लेशों में से बुद्धि के क्लेश की बात कर रहा हूं, परंतु मन के गुण को नियंत्रण करना, मन के गुण को ठीक दिशा में रखना, मन का काम जैसे मैंने बहुत सारे अभी कहे हैं, उन्हीं में से मन को यदि सीखने योग्य बनाना, ज्ञानार्जन योग्य बनाना, तो मन के लिए तीन गुण कहे गए हैं। मन शांत रहेगा तो सीखेगा, पहली शर्त, एकाग्र होगा तो ज्ञानार्जन होगा, और अनासक्त होगा, तीनों एक साथ चलेंगे। शांत होना पहली शर्त है, तभी एकाग्र हो सकता है, और एकाग्र हुए बिना हम जानते हैं कि कोई भी चीज सीखी नहीं जा सकती, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया तो रुकी जाने वाली है, आप कुछ भी कर रहे हो दूसरी तरफ मन भटकता है तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अविद्या के रूप में यदि आपने किसी गलत चीज की ओर कदम बढ़ा दिया तो अविद्या, बुद्धि का काम है कि वह अविद्या से मुक्त होकर मन के इस शांतता, एकाग्रता, अनासक्तता, यानी किसी चीज में उलझन में, उत्तेजना में, क्रोध में, आवेश में अगर फंसा रहेगा मन तो कुछ नहीं सीखेगा। इसलिए बुद्धि का काम है अविद्या के क्लेश से मुक्ति पाना। दूसरा है अस्मिता। सामान्यतः प्रचलित शब्द विशेषकर प्रेस में खूब हो गया, हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग बोलते हैं देश की अस्मिता का प्रश्न है, हम लोग भी बोलते हैं कभी कभी। यहां अस्मिता का भाव जो हमारे ऋषि कह रहे हैं पतंजलि अपने योग सूत्र में, वे कहते हैं अस्मिता यानी शरीर, मन और बुद्धि को अपने आप को ही आत्म तत्व मान लेना। मैं ये शरीर हूं ऐसा मान लेता है जब हमारा मन, तो फिर वो सारे शरीर के ही काम में लगा रहता है। मन और बुद्धि का तादात्म्य, यह जब तक उस अपराशक्ति की ओर नहीं, पराशक्ति की ओर नहीं जाएगा, तब तक हम अपनी इस मैं अस्मिता का यहां अर्थ अहम अस्मि, मैं हूं, यह जो भाव जब तक मेरे मन में रहेगा तब तक स्वाभाविक रूप से यह बात हमको स्पष्ट नहीं होगी। राग और द्वेष, यह शब्द युग में बड़ा प्रचलित है, जैसे मैंने संकल्प विकल्प कहा था। राग यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी सुखोत्पादक हमको लगता है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी आकांक्षा है, उत्कंठा है, हमारा प्रयास है, यह राग है। और उस राग के पूर्ति न होने पर उसके विरुद्ध जो भाव, जो क्षोभ मन में उत्पन्न होता है, वह द्वेष है। इसलिए राग और द्वेष यदि दोनों में से किसी में भी फंसी होगी बुद्धि, तो वह सीखने के काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस पंच क्लेशों में से इन दोनों से भी बचना। और पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश का जो प्रचलित शब्द के तौर पर उपयोग किया जाता है, व्यक्तिगत अभिनिवेश और संस्थागत अभिनिवेश, वह अर्थ यहां योग सूत्र में नहीं है। योग सूत्र प्रणेता कहते हैं अभिनिवेश यानी जब हम शरीर को ही स्वयं को मानने लगते हैं, हम मान लेते हैं मैं शरीर हूं, तो एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, इसका एक भय मेरे मन में सतत चलता रहता है। मैंने इतने परिश्रम से इतना कुछ अर्जन किया है, इतना नाम, इतना धन, इतना यश, इतना बड़ा महल, इतने ये सारे साधन संपदा, ये एक दिन छूट जाएगी, एक दिन मुझे ही सबको छोड़कर जाना पड़ जाएगा। और अगर सरल में कहें तो मृत्यु के प्रति सतत भय, यह अभिनिवेश है योग सूत्र के अनुसार। इन पांचों तत्वों, पांच क्लेश कहा गया है, इन पांचों क्लेशों में से किसी से भी, और यहां पर भी जैसे मैंने वहां कहा मन के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भय और शोक एक साथ एक के बाद एक आते जाते हैं, ऐसे ही अविद्या के प्रभाव से अस्मिता, अस्मिता के प्रभाव से राग, राग के न प्राप्त होने से द्वेष, और अभिनिवेश, यह सारे उत्पन्न होते हैं। इनसे बुद्धि को मुक्त रखना, यह वास्तव में हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य कहा गया, बुद्धि को इस योग्य बनाना, ताकि वह पहचान सके कि हमको इस बुद्धि के ऊपर जो क्लेश उत्पन्न हो गए हैं उनसे बचकर अपने आप को और
ज्ञानार्जन के योग्य बनाना। इसके लिए अपने यहाँ एक मैं उसे हंसी में पी फॉर्मूला कहता हूँ। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ों में 5 I's 4 L ऐसे यूज करते हैं ना, मैं भी कहता हूँ ये 8 P हैं। मन और बुद्धि के संतुलन के लिए हमारे जो ग्रंथ, विशेषकर उपनिषदों की मैं ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, एक आधी जगह पुराणों की भी चर्चा है, यह हमको 8 प्रकार के संयोगों, पी फॉर्मूला इसलिए कह रहा हूँ कि सभी शब्द प से प्रारंभ हो रहे हैं। कैसे मन और बुद्धि संतुलित रहकर, दोनों इन ट्यून विथ ईच अदर रहकर कैसे सीखने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तो हमारे यहाँ तैत्तरीय उपनिषद में पहला मार्ग बताया गया प्रवचनम। आचार्य पूर्व रूपम अंत्यवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। पूर्व रूप आचार्य है, उत्तर रूप यानी दूसरा पद संधि में यह अंतेवासी यानी शिष्य है। विद्या संधि इन दोनों को मिलाने वाला तत्व यह विद्या है, और प्रवचनम संधानम उसका मार्ग, उसका सूत्र, उसका प्रकार, माध्यम यह प्रवचन है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि मन और बुद्धि को इन ट्यून रखना है तो प्रवचन की आवश्यकता है। आज कोविड के कारण से हम लोग ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं स्थान स्थान पर, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से लेकर प्राइमरी स्कूल्स तक। हमारे यहाँ अभी ये मजबूरी में स्वीकार कर लिया गया लॉकडाउन के कारण, हमारे यहाँ कंप्यूटर को और टेक्नोलॉजी को आए हुए कुछ 5, 7, 10 साल हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी को आए, कंप्यूटर को आए हुए भी 25 साल हुए हैं। लेकिन अमेरिका में तो IBM ने 1955 में पहला कंप्यूटर किया था, ठीक है उतना बहुत काम का नहीं रहा होगा, लेकिन तो भी मोटे तौर पर 40, 45, 50 साल हो गए कंप्यूटर चलते हुए यूरोप और अमेरिका के देशों में, चीन में, जापान में, अन्य देशों में। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी न्यूज़ चैनल पर समाचार आया हो, किसी समाचार पत्र में समाचार छपा हो कि अब अमेरिका में या यूरोप में धड़ाधड़ विश्वविद्यालय महाविद्यालय बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थी आते नहीं, सब घर में बैठकर ही पढ़ लेते हैं। गूगल बाबा या बहुत सारे सर्च इंजन से उन पर वो ज्ञानार्जन कर लेते हैं, और उसके माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा हो जाती है, ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाती है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं, एक भी कभी बंद नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या है? यह जो हमारी समय सिद्ध ज्ञान परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, इसका कोई विकल्प अभी तक दुनिया तो नहीं खोज पाई है। आज कोविड की मजबूरी में हम भले ही कर रहे हों, लेकिन गुरु शिष्य, और हमारे यहाँ तो कहा ही गया, आप में से अधिकांश को मालूम है, उपनिषद यानी गुरु के निकट बैठना, ये उपनिषद है। तो गुरु के निकट बैठकर जो भी कुछ प्राप्त किया गया, यह मन की शक्ति को बुद्धि की शक्ति के साथ संयोजित करते हुए, ट्यूनिंग करते हुए प्रवचन उसका पहला साधन है। दूसरा प्राश्निक वृत्ति, प्रश्न पूछे बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता। हमारे यहाँ तो सारे संवाद ही हैं, टेक्स्ट बुक लिखने की परंपरा अपने देश में शायद थी ही नहीं। श्रीमद् भगवद्गीता यह संवाद है, गुरु शिष्य कौन है वहाँ पर, तो सब श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। राम कथा, किसी को भी वाल्मीकि से लेकर तुलसी बाबा तक किसी को भी उठा लीजिए, कहीं वह याज्ञवल्क्य भरद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है, कहीं वो काग भुशुंडी गरुण के बीच का संवाद है, मूलतः वो भगवान शिव और पार्वती माता के बीच का संवाद है, अंततः सारी बात संवाद में ही है। और यह जो संवाद की हमारी शैली है, यह वास्तव में प्राश्निक वृत्ति के माध्यम से, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछेंगे, संवाद करेंगे, तो ही हमको ज्ञान प्राप्ति होगी। जितना गुरु जी ने बता दिया उतने से चल जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं माना गया। इसलिए मन और बुद्धि को संयोजित करने के लिए प्रश्न वृत्ति, प्राश्निक वृत्ति होना यह आवश्यक है। तीसरा आधार, पी फॉर्मूला का तीसरा पी कहा गया प्रयत्न। विद्यार्थी स्वयं प्रयत्न नहीं करे तो नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे यहाँ सत्यम वद धर्मम चर के बाद तुरंत ही जोड़ दिया गया स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। हमारे यहाँ गुरु जी ने कहा देखो भैया कोर्स पूरा हो गया, सिलेबस कंप्लीट, अब परीक्षा की तैयारी कर लो, रिवीजन कर लो, कुछ पूछना पाछना हो तो आ जाना। यह जो प्रश्न है यह हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ प्रयत्न, स्वयं के प्रयत्न से सीखना, इसलिए स्वाध्याय भी करना, अन्य लोगों से परामर्श भी करना, प्रश्न भी पूछना। बृहदारण्यक उपनिषद की वह कथा है, कथा नहीं कहूँगा, सब लोगों की सुनी हुई है, एक साथ
सुर असुर यानी देवता असुर और मनुष्य तीनों के प्रतिनिधि वहाँ पर प्रजापति के पास गए और उन्होंने कहा प्रजापति सम्रमय जीवन संदेशम प्रचेत, वहाँ जाकर जीवन के लिए कुछ संदेश बताइए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। और उन्होंने वो ध्यान में थे, तपस्या में थे, देखा अरे आप तीनों लोग आए हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उपदेश कीजिए। कहने पर उन्होंने एक अक्षर बोला द, और फिर आंखें बंद कर लीं। भी लोग सोचते रहे आगे कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोला। अंततः वो वहाँ से चले और उन्होंने आपस में समझ लिया। असुरों ने कहा हम बड़े क्रूर हैं, सबसे बड़ी निर्दयता से व्यवहार करते हैं, द यानी दया करो, ऐसा सिखाया हमको जीवन का संदेश। देवताओं ने अनुमान लगाया, उसमें से अर्थ निकाला कि हम बहुत कुछ विलासितापूर्ण जीवन स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए इसमें से इंद्रिय निग्रह करना, द यानी दमन करो अपनी इच्छाओं का आकांक्षाओं का। और मनुष्य ने कहा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और लाओ और लाओ, और इस प्रकार का जब हम करने लगते हैं तो यह जो है एक हमारे लिए मनुष्यों के लिए उपदेश है, द यानी दानम, दान करो, दमन करो अपनी इच्छाओं का आकांक्षाओं का और दया करो। ये एक द शब्द की डीकोडिंग ही तो है, सारा ज्ञान कोडवर्ड्स में ही है, सब कुछ खोल कर नहीं बताया जाता। जब तक कि आप अपनी बुद्धि और मन को इन ट्यून न कर लें तब तक वो डीकोडिंग आप नहीं कर सकते। बुद्धि का काम, इंटेलिजेंस का काम यहाँ उस छिपे हुए ज्ञान को प्रकट करने के लिए डीकोडिंग करना है, ये तीसरा काम है प्रयत्न। चौथा काम है परिशीलन, यानी करके देखिए और न परिणाम मिले तो उसको दोबारा से कीजिए, परिशीलन। यहाँ पर भी मैंने अभी कहा संवाद में उपनिषद और बड़ी बड़ी बातें के बजाय मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको निवेदन करता हूँ। श्री सत्यनारायण कथा हम सब लोगों ने सुनी होगी, लीलावती कलावती और मूरध्वज और तुंगध्वज नाम के राजा आदि आदि सबने सुना होगा। प्रारंभ कहाँ से होता है, नेमिशारण्य वन में 88,000 ऋषि एक सेमिनार कर रहे हैं और उस समय परम ज्ञानी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी वहां उपस्थित होते हैं। वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी और सूत जी के शिष्य इस सेमिनार के चेयरमैन शौनक जी। इन शौनक जी को लेकर हमारे अगर आपको स्मरण आ गया हो, हर अध्याय के अंत में फिर पंडित जी कहते हैं पुरोहित हमारे, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे, इसी स्कंद पुराण की एक और कथा इन्हीं शौनक के बारे में कही गई है। या कथा मैं नहीं कहूँगा, कुल मिलाकर इतनी सी संक्षिप्त में उसका सारांश इतना है कि शौनक जब विद्यार्थी थे, सूत जी के आश्रम में पढ़ते थे, तब भी लगता था कि बड़ा मेधावी छात्र है और आगे चलकर, अब उस जमाने में बड़ा मेधावी छात्र है, सिविल सर्विसेज में चला जाएगा या IFS या IAS बन जाएगा, ऐसा नहीं माना जाता था। ऋषि बनेगा, मुनि बनेगा, आचार्य बनेगा, यही अच्छा कैरियर माना जाता रहा होगा, सबको लगता था आचार्यों को कि बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन फिर भी साहब कन्वोकेशन तो होना था, दीक्षांत तो उनका भी होना था। आचार्य जी ने बोला कर कहा कि मैं जो सिखा सकता था अब सिखा दिया, लेकिन अब भाई परीक्षा तो तुम्हारी भी होगी, उसके बिना तो डिग्री नहीं मिल सकती। अब उस जमाने में ऐसे कन्वोकेशन नहीं होते थे, गुरु जी प्रश्न पूछते थे। गुरु जी ने कहा देखो शौनक, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर सही दे दोगे तो तुम्हारा दीक्षांत हो जाएगा, नहीं तो फिर तो और पढ़ना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। गुरु जी एक प्रश्न पूछेंगे तो बड़ा कठिन होगा। मैं कहा कठिन क्या होता है, सरल क्या होता है, उत्तर मालूम है तो सरल, उत्तर कठिन है, उत्तर नहीं मालूम तो कठिन। फिर भी मैं कहा देखो अगर कठिन की बात करते हो तो उसके साथ शर्त है, वह बड़ी कठिन है, वह कठिन लग सकती है तुमको। मैं कहा प्रश्न भी और शर्त भी? मैं कहा कि हाँ, शर्त के साथ प्रश्न है। गुरुजी पूछिए, प्रयास करता हूं, उत्तर बन गया तो। गुरुजी ने प्रश्न पूछा, प्रकृति के अनुसार मनुष्य सामिश है या निरामिश? क्या बनाया मनुष्य को, प्रकृति ने क्या बनाया था, सामिश या निरामिश, शाकाहारी या मांसाहारी? शौनक ने कहा गुरुजी ये क्या प्रश्न हुआ? अरे आप शर्त के साथ सुनो ना इसको, शर्त दो हैं। शर्त है उत्तर वह नहीं बताना है जो आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा हो, उत्तर वह नहीं बताना है जो आपके आचार्यों ने आपको बताया हो। ऐसा कैसा हो सकता है, हम तो दो ही मार्गों से, या तो पुस्तक पढ़ के कोई चीज जानते हैं या तो हमारे टीचर्स हमको कुछ बताते हैं। कहता नहीं ऐसा वाला उत्तर नहीं चलेगा, प्रश्न का उत्तर बताओ।
तो उन्होंने कहा कि गुरु जी मेरे हिसाब से तो मनुष्य को शाकाहारी बनाया प्रकृति ने, क्योंकि हमें आयुर्वेद में पढ़ने को मिला कि हमारी जो पाचन तंत्र वो ऐसा नहीं है कि मांस को पचा सके, इसलिए मनुष्य का शरीर ऐसा है। हमारे शरीर विज्ञान के आचार्य थे, उन्होंने बताया कि दांतों की संरचना मनुष्य की ऐसी नहीं है जैसे हिंस पशुओं की होती है, इसलिए मनुष्य को शाकाहारी बनाया होगा ऐसा मुझको लगता है। उन्होंने कहा भाई मेरी तो शर्त का उल्लंघन हो गया, मैंने कहा था कि आचार्य जी ने ना बताया हो, आप ग्रंथ में ना पढ़ा हो, आप कहते हो आयुर्वेद में लिखा है और शरीर विज्ञान के आचार्य ने बताया, तो शर्त तो गई। गुरु जी इसके अलावा तो कुछ सोचा नहीं। नहीं सोचा तो सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं, उत्तर दोगे तो कन्वोकेशन डिग्री मिल जाएगी। शौनक 8-10 दिन नहीं आए गुरु जी के पास। गुरु जी ने पूछा क्या हो गया शौनक, बुलाया किसी से, गुरु जी उत्तर नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, खोजो। ऐसा कुछ समय निकल गया और एक दिन शौनक ने आकर कहा गुरु जी इस आश्रम की परिधि में मुझको इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, आप मुझे बाहर जाने की अनुमति देंगे क्या? मैं कहा जाओ, लेकिन डिग्री तभी मिलेगी जब प्रश्न का उत्तर दे दूँ। ठीक है प्रयास करता हूँ। चले गए और कथा कहती है कि 12 वर्ष लग गए शौनक को वापस आने में। 12 वर्ष बाद लौट कर उन्होंने क्या रिपोर्ट दी अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने आकर बताया गुरु जी को कि मैं आपके यहाँ से अनुमति लेकर नगर नगर ग्राम ग्राम बस्ती बस्ती जंगल जंगल भटकता था, जाता था, लोगों से पूछता था, चर्चा करता था, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था, कुछ उत्तर नहीं समझ में आया। लेकिन अब मुझको एक उत्तर मिला है, सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी से किसी आचार्य से नहीं उत्तर सुना, बस शर्त तो पूरी हो गई, अब बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से प्रकृति में सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। एक वे हैं जो जब जल पी रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जीभ से जल को चाट रहे हैं। शेर चीता लकड़बग्घा लोमड़ी ये प्राणी ऐसे मैंने देखे जो ऐसा लग रहा है, कुत्ता बिल्ली भी, जो जल को जीभ से चाटते हैं। दूसरे प्रकार के प्राणी ऐसे मेरे ध्यान में आए जो घूंट घूंट करके जल पीते हैं, घोड़ा गधा गाय भैंस बकरी हिरण, ये सारे प्राणी मेरे ध्यान में आए कि ये घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। जो प्राणी जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि वे सभी मांसाहारी प्राणी हैं। जो जीभ जो घूंट घूंट करके पीते हैं वे सब शाकाहारी प्राणी हैं, और चूंकि मनुष्य भी घूंट घूंट करके पानी पीता है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति ने तो मनुष्य को भी शाकाहारी बनाया होगा, बाकी कहीं अभाव के कारण, कहीं वहां की परिस्थितियों के कारण, वहां के प्रभाव के कारण कुछ होता होगा, लोगों ने मांसाहार भी। मेरा उद्देश्य यहां पर शाकाहार और मांसाहार की मीमांसा करना, उसके गुण दोष की विवेचना करना बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रश्न इस समय, मेरी बात सुन रहे सभी टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स से केवल इतना ही है, हम में से कितने सूत जी हैं जो अपने अपने शौनकों को इस प्रकार ऑब्जर्वेशन करके स्वयं अपने परिशीलन के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से ज्ञानार्जन करने की छूट, अनुमति, अवसर प्रदान करते या कर पाते? वास्तव में यह हमारे यहाँ मन और बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से होने वाला विषय है, यह परिशीलन है। पांचवां बिंदु, पांचवां पी है परीक्षण। स्वयं किए बिना विश्वास मत करो, सुने सुनाए पर विश्वास मत करो। हम विज्ञान में बताते हैं, छोटी कक्षाओं के बच्चों को ही बताते हो शायद, यह गेंद को ऊपर उछालो तो नीचे आती है, और एक न्यूटन नाम का बालक पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सिर पर या उसके सामने एक सेब गिरा, तो उसने मान लिया कि ये इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन के अंदर, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है भूमि में, उसके कारण वो उसको खींच लेती है। अब जरा सोचिए दोनों बातें, न तो वह विद्यार्थी हमारी लैब में या हमारे क्लासरूम में बैठा हुआ था, और न ही वह विद्यार्थी के सामने सृष्टि की रचना से पहली बार फल गिरा था। उससे पहले ऐसा नहीं था कि न्यूटन के पहले सारे फल उड़ जाते थे आसमान में, सभी के सामने गिरते थे, किसी को ध्यान में नहीं आया। ऑब्जर्वेशन करने का अवसर जिसको मिला, केतली के अंदर पानी खोलने से भाप निकलती और ढक्कन गिरता उठता उठता गिरता है, ये जेम्स वॉट के पहले किसी के सामने नहीं हुआ था क्या? बहुत बार हुआ होगा, सृष्टि रचना में पहली बार पानी थोड़ी उबल रहा था, लेकिन जिसने ऑब्जर्वेशन किया उसने स्टीम इंजन तैयार कर दिया। यह जो सीखने की परंपरा है यह वास्तव में परीक्षण। आप विद्यार्थी को गेंद उछालने से अगर आप बताएं, गेंद कक्षा में नहीं ले जाने देते होंगे आप,
उसके कंपास बॉक्स के अंदर एक वो इरेजर या रबर है जिससे वो पेंसिल का लिखा हुआ मिटाता है, उसको उछालो छत की ओर और वापस कैच करो। अब वो न्यूटन का सिद्धांत नहीं रह गया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मेरे गुरुजी अगर मुझे बता रहे हैं तो अब वह अवनीश का सिद्धांत हो गया, क्योंकि मैंने स्वयं उसको ट्राई करके स्वयं परीक्षण करके देख लिया। यह परीक्षण वास्तव में हमारे यहां सीखने को परिमार्जित करने का काम है। छठवां है प्रयोग, स्वयं करना, लेकिन इसमें किसी और के मार्गदर्शन की आवश्यकता भी न रह जाए। बुद्धि का, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, इंटेलिजेंस का उतना विकास हो जाना कि वह अपने आप से उसमें से कुछ सूत्र निकाल सके, इसके लिए यह छंदोग्य उपनिषद में ही कथा जो आती है सत्यकाम जाबाल की, हमें अधिकांश लोगों ने कथा सुनी, इसलिए फिर कथा नहीं कहूंगा। बाकी की कथा पीछे वाली के पिता का नाम क्या है वगैरह वो सब हम लोग जानते हैं, परंतु सत्यकाम को गुरुजी ने आने पर ही कहा कि तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, एक ही काम करना है, मेरे आश्रम में 400 गौए हैं जो प्रजनन क्षमता विहीन हैं, इनको ले जाओ, जिस दिन ये 1000 पूरी हो जाएंगी उस दिन तुमको ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी मान लिया जाएगा, तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। कैसी विचित्र सी बात है, कह रहे हैं 400 गौए हैं जो प्रजनन क्षमता विहीन है और वो 1000 हो जाएं, कैसे हो जाएंगी 400 से 1000, प्रजनन क्षमता तो है नहीं उनमें, फिर कहां से हो जाएंगे, और वो भी गुरुजी की आज्ञा मानकर चल देता है। गुरुजी नहीं बताते, फलाने वेटरनरी हॉस्पिटल में दिखा लेना, फलाने डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, फलाने एरिया में चले जाना, वहां इस प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती हैं, वह स्वयं पता करता है। और आगे की कथा बताती है छांदोग्य उपनिषद की कि एक दिन जब वह संख्या 1000 पूरी हो जाती है तो फिर उनमें से ही एक वृषभ आकर और वो बताता है कि भाई आज हमारी संख्या 1000 पूरी हो गई, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म विद्या के प्रथम चरण का उपदेश करूंगा, और यहां से उसकी ब्रह्म विद्या प्राप्त होना ये प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे यहां ये सिखाने का विषय नहीं, स्वयं करके देखो, लर्निंग बाई डूइंग, यह भी भारत के बुद्धि और मन के तत्वों को बीच बीच में जोड़ने का, आपस में एक दूसरे से जोड़ने का विषय है। सातवें बिंदु परिष्कार, अंग्रेजी में शब्द दे सकते हैं आप, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन, एग्जामिनिंग, इवेल्युएशन, ये सब कुछ करके जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको यह जांचो कि यह सही है कि नहीं है, ठीक दिशा में है कि नहीं, कहीं निष्कर्ष गलत तो नहीं, क्योंकि बुद्धि का काम है निर्णय करना, मन विभिन्न कल्पनाएं दे रहा है, उनमें से संश्लेषण, विश्लेषण, तुलना, तर्क करके निर्णय तक, निष्कर्ष तक पहुंचना, जो आपको निष्कर्ष में प्राप्त हो गया वही आपके लिए, उसी ज्ञान के आप अधिकारी हैं। और इसलिए यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सातवां पी है परिष्कार करना, अपने आप को इवेल्युएट करके देखना। और अंतिम बात, इस सब का प्रयोग कहाँ होना, तो इस सबके प्रयोग के लिए अंतिम पी कहा गया प्रचारण, जो कुछ सीख लिया उसको अपने पास तक गठिया के मत रखिए, अपने पास संजोकर सुरक्षित मत रख लीजिए, इसको दुनिया को, समाज को, जिनके लिए उपयोगी है उनको यह ज्ञान दीजिए, यह प्रचारण है। हमारे यहाँ वेद व्यास को क्यों भगवान कहा गया, नारद को क्यों देवर्षि कहा गया, ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान बांटा, सारे हमारे ऋषि मुनियों ने यही काम किया। इस सारी चीज को करते हुए ही बुद्धि का ऐसा विकास हो, यह आवश्यक है। और अब मैं आखिरी दो तत्वों को, मैंने कहा था मन और बुद्धि पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा, चित्त के बारे में मैंने कहा कि चित्त वह हार्ड डिस्क है जिसमें जो कुछ आया वो संकलित हो गया, बाद में आवश्यकतानुसार आपने उसको निकाल लिया, मैंने जो आम का उदाहरण दिया उससे आपको ध्यान में भी आ गया होगा। मैं एक और बात थोड़ा मनोरंजक उसमें कहता हूं, अपने यहां विशेषकर हिंदुओं में एक बात बड़ी विचित्र कही जाती है, हम जो कुछ करते हैं इस दुनिया में आने के बाद उस सबके रिकॉर्डिंग भगवान के यहां होती रहती है। एक कोई सज्जन वहां बैठे हुए हैं, उनके अकाउंटेंट जो सारा रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। और ये चित्रगुप्त हैं, जब हम वहां पहुंचते हैं मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर, तो तुरंत हमारा वही खाता खोल के बताते हैं, ये पुण्य ये पाप, इसलिए इतने दिन स्वर्ग में या नरक में या पुनर्दूसरी योनि में जाना, ये हमको हमारा हिसाब किताब बता दिया जाता है। मालूम नहीं अभी वहां कंप्यूटराइजेशन क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा निवेदन, मेरा व्यक्तिगत जो निवेदन है वह मैं केवल कर रहा हूं,
यह चित्रगुप्त नाम का कोई व्यक्ति, कोई अकाउंटेंट, कोई रिकॉर्ड कीपर, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर शायद नहीं है। हम सबके अंदर यह जो चित्त नाम का तत्व स्थित है, यही हमारे सबके अपने अपने इंडिविजुअल चित्रगुप्त हैं, जिनमें गुप्त रूप से कुछ चित्र अंकित हो जाते हैं, जो स्थाई ज्ञान है, जिसको हमारे यहाँ संस्कार भी कहा गया है। मनुष्य शरीर त्यागने के बाद इस चित्त के अंदर संचित संस्कारों को लेकर अपनी अगली यात्रा पर निकलता है, उसके अनुसार वह पुनर्योनि पर प्राप्त होता है, या जो कुछ भी चलता है वह अध्यात्म का विषय है। मैं उस केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद की यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि यह चित्त का कार्य है वह ज्ञान अर्जन कर ले। कुल मिलाकर बात को मैं यहाँ पूरे करने तक आ रहा हूँ। यह जो भी मन रूपी स्क्रीन पर ज्ञानेन्द्रिय रूपी चैनल से प्राप्त ज्ञान डिस्प्ले होता है, उसमें से जो काम की बात है उसको बुद्धि रूपी फिल्टर चित्त रूपी हार्ड डिस्क में सेव कर देता है, और ये चित्त रूपी हार्ड डिस्क में जो सेव हो गया वो ज्ञान है। आप जो भूल गए वो ज्ञान कैसे हो सकता है? काम पर आपको जिस समय आपका उपयोग था, आपने उसको रिकॉल करने की कोशिश की और उस हार्ड डिस्क में नहीं था, नहीं निकला, तो फिर वो ज्ञान आपके लिए फिर से नया हो गया ना। वह ज्ञान नहीं है जो आपकी हार्ड डिस्क यानी चित्त में सुरक्षित नहीं हो गया है। चित्त को भी मुक्ति चाहिए। आप कहेंगे ये भी अभी भी मुक्ति की आवश्यकता बाकी है। चित्त को भी मुक्ति चाहिए। चित्त के लिए पतंजलि कहते हैं चित्त पर प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए वे शब्द उपयोग करते हैं सप्त विपर्यय। सात ऐसी बातें हैं जिनके कारण चित्त भी अपनी स्मृति संधारण क्षमता, चित्त का काम है स्मरण बना के रखना, यह जो स्मृति संधारण क्षमता है उसको त्याग देता है, उससे अलग हो जाता है, और इसलिए चित्त रूपी हार्ड डिस्क, चित्त रूपी इस मेमोरी डिस्क को भी इन सप्त विपर्ययों से, जिनसे संस्कार लोप या स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति लोप हो जाती है, उनको बचाने की आवश्यकता, मुक्ति की आवश्यकता है। और वो सप्त विपर्यय पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं चित्त के ऊपर जिनका प्रभाव पड़ जाता है वे हैं व्याधि। मैं अभी बस एक एक वाक्य में ही उनके व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगा, उस समय ऑलरेडी मैं समझता हूं मैं ज्यादा ले चुका हूं। बड़ी अच्छी स्मृति है, आदमी 4-6 महीने बीमार लेता है व्याधि के कारण, रोग के कारण स्मृति लुप्त हो जाती है। तमस, कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही होती, इसलिए चित्त में कुछ ट्रांसफर शिफ्ट करती ही नहीं, सेव करती ही नहीं, ये तमस का काल है, हर एक के जीवन में कभी ना कभी आता है। प्रमाद और आलस्य, सप्त विपर्यय में लगातार दो हैं, प्रमाद ज्ञान इंद्रियों का विषय है, आलस्य कर्मेंद्रियों का विषय है। यह दोनों से चित्त को भी मुक्ति चाहिए। यदि ज्ञानेन्द्रियां अपना ज्ञानार्जन का काम नहीं करेंगी, कर्मेंद्रियां अपना कर्म नहीं करेंगी, तो चित्त में संस्कार या चित्त में यह जो हार्ड डिस्क में सेव होने की प्रक्रिया है रुक जाएगी। अविरति, कुछ समय का व्यवधान हो जाने पर स्मृति कई बार लोप हो जाती है, बहुत दिनों बाद कोई मित्र भी, पुराना कोई रिश्तेदार भी मिलता है तो हम पहचान नहीं पाते, अविरति है उसका कारण। मैंने जो विषय पढ़ा था, इधर कुछ दूसरा विषय पढ़ा रहा था और अचानक मेरे टाइम टेबल में दूसरा सेट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि कॉलेज तो छोड़ दीजिए, मैं शायद 10वीं के विद्यार्थी को भी, मैं हमेशा से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और अभी मुझे अचानक से यदि हिंदी व्याकरण पढ़ाने को दे दिया जाए तो मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, ये अविरति है, भूल जाता हूँ, स्मृति लोप हो गया है मेरा। भ्रम, भ्रम का अर्थ जहाँ पर मेरे चित्त में कोई चीज सेव ही गलत हुई, डाटा ही गलत सेव कर दिया गया था, बुद्धि को उसमें भ्रम था यह सही है, वही बात को मैंने सही मान लिया। अविद्या के प्रभाव से बुद्धि कभी कभी, वो जो पंच क्लेश हैं, उन पंच क्लेशों के आधार पर यदि बुद्धि भ्रमित हो गई हो तो ये सेव भी, जब फिल्टर गलत हो रहा है तो सेव भी वह गलत ही करेगी। ऐसी स्थिति में चित्त में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो स्मृति लोप हो जाएगा, मूल विषय सही विषय ध्यान में नहीं रहेगा। और दर्शन बदल जाए तो भी, दर्शन कैसे बदल सकता है? दर्शन यानी आपकी सोचने का की दृष्टि, सोचने का प्रकार। मैं अगर इसको एक उदाहरण से कहूं, कुछ 15-20 साल पहले अफगानिस्तान में एक घटना हुई थी, हम सब लोगों को स्मरण होगी,
भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थीं जो तोड़ दी गई थी। किसने तोड़ दी? पक्का हम में से कोई नहीं गया था। वहां के रहने वाले लोग, आप लोगों का नाम भी ध्यान में आ गया, वह शब्द तुरंत ध्यान आ गया, तालिबान ने तोड़ दी। मेरा प्रश्न केवल यहां पूरा नहीं होता, तोड़ दी बनवाई किसने थी? हमारे पुरखों में से कोई गया था बनवाने के लिए? गए भी हमारे पुरखे नहीं थे, तोड़ने भी हम नहीं गए। उनके ही पूर्वजों ने बनवाई थी, उनके वंशजों ने ही तोड़ दी। जीवन के प्रति दृष्टि, जिन्होंने बनवाई थी वो भगवान का अवतार मानते थे बुद्ध को, इसलिए प्रतिमाएं बनवाई। जो अवतार नहीं मानते थे, जो उनको अवतारी पुरुष नहीं मानते थे, उन्होंने तोड़वा दी। दोनों के बीच में दर्शन का ही अंतर है ना। हमारे चित्त के ऊपर स्थित संस्कार बदल जाते हैं इसी आधार पर, यह चित्त के दर्शन का विषय है। मैं यहां पर चित्त के विषय पूरा करूंगा, अहंकार के बारे में मैं केवल दो वाक्य कहूंगा। घड़ी बहुत तेजी से दौड़ रही है। अहंकार यानी मेरे अंदर यह भाव, कहते हैं कर्ता और भोक्ता भाव मेरे अंदर होना, यह अहंकार है। अहंकार केवल घमंड यहां पर भाव नहीं है जो सामान्य रूप में हम उपयोग करते हैं। अहंकार माने यह जो अहम है, यह जो मैं हूं, यही करता हूं, यही सारी चीजों का उपभोग करता हूं। मैंने यह बना दिया, मैंने यह निर्माण किया, मैंने यह कमाया, मेरी ऐसी ख्याति, यह जो आई मी और माई तीन शब्द हैं अंग्रेजी के, ये सारी चीजें मिलकर इस अहंकार की निर्मिति करते हैं। ईश्वर का जो अंश मुझ में है उसकी उपस्थिति को स्वीकार करना, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं, यह हमारे अंदर स्थित इस अहम भाव को भी और इस अहंकार माने अंतःकरण चतुष्टय के इस चौथे तत्व को भी मुक्ति चाहिए। शरीर के, मन के, बुद्धि के तादात्म्य से मुक्ति चाहिए। मैं उस परम विनाशी सत्ता, चैतन्य स्वरूप सत्ता का एक अंश हूं, और जैसा अंश मेरे अंदर है वैसा आपके अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी, पशु के अंदर, पक्षी के अंदर, वृक्ष, वनस्पति, कीट, भृंग, पतंग, नदी, पर्वत, सबके अंदर है। और इसलिए सबके साथ मेरा तादात्म्य का भाव होना, मैं केवल मैं नहीं हूं, इस सबके अंदर यह सृष्टि का एक घटक में हूं, एक घटक है और सभी घटक उतने ही आवश्यक हैं, यह भाव जागरण करने वाला, यह अहंकार से मुक्ति पाना, यह शिक्षा का एक और लक्ष्य है। मैंने इस पर यहां इन चारों अंतःकरण चतुष्टय की चर्चा को मैं यहां विराम दूंगा। व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन क्षमा करना, आध्यात्मिक विषय भी आता है और समय की भी मर्यादा है। अंतिम बात, पतंजलि के योग सूत्र से ही बात को पूरा कर रहा हूं। ऋषि पतंजलि चित्त की अवस्था के आधार पर मनुष्य मुक्ति के मार्ग के पथिकों को पांच श्रेणियों में बांटते हैं। मैं यहां पर भी बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, केवल नीचे से ऊपर की ओर श्रेणियां कहता हूं। सबसे नीचे की श्रेणी सामान्य व्यक्ति, जिसके लिए शब्द पतंजलि उपयोग करते हैं, मूढ़। सामान्यतः हिंदी में मूढ़ यानी मूर्ख, पतंजलि का भाव मूढ़ यानी मूर्ख का नहीं है, जिसके अंदर सत्व गुणों का दर्शन ही नहीं है, तमो गुणों से परिपूर्ण है, मुक्ति या मोक्ष का मार्ग कुछ होता भी उसे पता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने मूढ़ शब्द उपयोग किया है। मूढ़ से एक श्रेणी ऊपर यानी तमो गुणों से रजोगुणों में थोड़ा प्रवेश हो गया है उसका, ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है, करता कम है, विवेक पूर्वक काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए पतंजलि शब्द उपयोग करते हैं क्षिप्त। क्षिप्त याने जो विचलित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, सब तरफ भटक रहा है, उसमें उसकी बुद्धि के ऊपर, चित्त के ऊपर इतना नियंत्रण नहीं है कि वह अपने रजोगुणों को विकसित कर सके। इससे एक ऊपर की श्रेणी को उन्होंने कहा विक्षिप्त। सामान्यतः हिंदी में इसको भी विक्षिप्त यानी पागल, पतंजलि कहते हैं विक्षिप्त यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें रजोगुण प्रधान है, वह तमोगुणों से बाहर निकलने में सफल हो गया है, मुक्ति के मार्ग की ओर चल पड़ा है, पथिक है, परंतु उसकी अभी एक गड़बड़ शेष है। उसको
संगति जैसी मिलती है वैसा ही वह कार्य करने लगता है। रजोगुण तो हैं, सत्व गुणों की ओर अभी प्रवेश ज्यादा नहीं हो पाया है, इसलिए उसका अपना निर्णय कुछ नहीं है। चित्त की स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है, सबल नहीं है उसका चित्त। ऐसे व्यक्ति में स्थिरता तो है, सत्व गुणों का प्रभाव कम है, अभी केवल बढ़ रहा है, अच्छी संगति पर होता है। एक और श्रेणी ऊपर जिसको कहा गया एकाग्र। एकाग्र यानी जिसने रजोगुणों से भी ऊपर उठकर सत्व गुणों में प्रवेश कर लिया है, सामर्थ्यवान है मुक्ति के मार्ग पर। जैसे लूडो के खेल में उस जगह पहुंच गया जहां अब एक आएगा तो होम में एंटर कर जाने वाला है, ऐसा व्यक्ति यह एकाग्र है। लेकिन इसमें भी अभी एक दोष बाकी है, जो करने में लग जाता बस वही करता रहता है, उसकी एकाग्र चित्तता की यही विशेषता है कि जिस काम में लगता है उसी में करता है, बाकी चीजों पर अभी उसका ध्यान नहीं जाता। और पांचवीं और सर्वोच्च श्रेणी निरुद्ध, पतंजलि के योग दर्शन में ये पांचवीं श्रेणी है जिसकी सारी वृत्तियां ही समाप्त हो गई हैं, चित्त पर अब केवल सुसंस्कार ही शेष बचे हैं, केवल सत्वगुण ही सत्वगुण है, ना रजोगुण है ना तमोगुण है। ऐसे व्यक्ति के लिए निरुद्ध शब्द, निरुद्ध श्रेणी यह दी है। उदाहरण के बिना मुझे लगता है यह बात पूरी नहीं होती। मैंने क्योंकि बड़े कठिन कठिन उसके सत्वगुण रजगुण तमोगुण, उसके अंदर मुक्ति के मार्ग की कितनी आकांक्षा, कितनी प्रबल इच्छा आदि आदि की चर्चा कर ली। एक कथा में पांचों उदाहरण। सबसे नीचे की श्रेणी मूढ़, अभी मुक्ति की दिशा में कुछ उसकी तरक्की है ही नहीं, तमोगुण प्रधान है। रामकथा में कुंभकर्ण उदाहरण है। क्षिप्त रजोगुण प्रभावी हो गया है लेकिन अभी बहुत विवेक के कार्य नहीं करता है, बहुत तरफ दिमाग, इसलिए क्षिप्त है, इधर उधर भाग रहा है उसका मस्तिष्क, अभी बहुत स्थिरता नहीं है। रावण यह इस श्रेणी का पात्र है, क्षिप्त विक्षिप्त। एक और श्रेणी ऊपर, रजोगुण से तो सतोगुण की ओर थोड़ा बढ़ तो रहा है लेकिन संगति अच्छी है तो ही, अन्यथा बदल जाता है। सुग्रीव उदाहरण हो सकता है इस विक्षिप्त का, जब तक श्रीराम के संपर्क में है तब तक ठीक, फिर जाता है तो अपने राजकाज में और मौज मस्ती में लग जाता है, भूल जाता है किस काम के लिए लगा था। चौथी श्रेणी उससे एक श्रेणी ऊपर एकाग्र, जिस काम में लग गए तो लग गए। राम काज कीन्हे बिनु मोहे कहां विश्राम, बजरंगबली, हनुमान जी को कोई आकर्षण नहीं, मैनाक पर्वत कहता है विश्राम कर लो, नहीं 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 रुकूंगा, सुरसा रोकती है नहीं रुकूंगा, लंकिनी रोकते नहीं रुकूंगा। मैंने अभी कहा था हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं, नीचे सीता माता बैठी हैं, रावण आता है समझाता है डराता धमकाता है, कूद पड़ते, इतनी क्षमता तो थी, रावण को निपटा देते, सीता जी को ले जाते, आगे कथा खत्म। लेकिन वहां पर इमोशन और इंटेलिजेंस के बीच का तालमेल कितना अच्छा है, इमोशंस के ऊपर इंटेलिजेंस का प्रभाव, ये मन और बुद्धि के संतुलन का अच्छा उदाहरण, इसलिए एकाग्र यह हनुमान जी के लिए उदाहरण हो सकता है। और पांचवीं और सर्वोच्च श्रेणी यह इस राम कथा के नायक श्री राम ही हो सकते हैं, निरुद्ध, जिसके ऊपर कोई चित्त पर कोई प्रभाव बचा ही नहीं। प्रसन्नताम न गताभिषेकस्त था न वनवास ममले दुखिता। कल सुबह तुम्हारा अभिषेक होने वाला है, युवराज बन जाओगे, हाँ हो जाएगा, नहीं नहीं कैंसिल हो गया प्रोग्राम, कल तुमको वनवास में जाना है, अच्छा चले जाएंगे, चले गए, न प्रसन्नता है न उसको लेकर कोई मलिनता है, ऐसी स्थिति के लिए ही निरुद्ध शब्द कहा। पतंजलि योग सूत्र से जिनका थोड़ा भी परिचय हो, था योग के बारे में जो थोड़ा भी अध्ययन करते होंगे, उनको पतंजलि योग सूत्र का प्रारंभ जहां परिभाषा दी गई है वो स्मरण जरूर आ गई होगी। और वह परिभाषा क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग का काम क्या है, योग किस लिए है, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जिसकी चित्त की वृत्तियां निरोध की जा चुकी हैं वह निरुद्ध श्रेणी है, सर्वोच्च श्रेणी है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना। ये पांच श्रेणी केवल मनुष्यों में है, योग सूत्र में है, ऐसा नहीं। अपने क्लासरूम को सोचिए, आपकी क्लास में जो 40-50 बैठे होते हैं उनमें मूढ़ भी हैं, शिक्त भी हैं, विक्षिप्त भी हैं, एकाग्र भी हैं, शायद कोई एकाध निरुद्ध भी होगा और शायद न भी हो,
लेकिन सारी श्रेणियां आपके सामने दिखाई देती हैं। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य, मैं अपने उस वाक्य को दोहरा के बात पूरी कर रहा हूं, मन बुद्धि और चित्त के संयोजन के साथ चलता है, जो मेरे पास आए हुए मूढ़ को, क्षिप्त क्षिप्त को, विक्षिप्त विक्षिप्त को, एकाग्र और एकाग्र को निरुद्ध बनाने के योग्य बनाता है। यही भारत का शिक्षा दर्शन और भारत का शिक्षा मनोविज्ञान है। मैंने समय से कुछ अधिक समय ले लिया होगा, मैं घड़ी नहीं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, फिर भी आयोजकों से क्षमा याचना भी करते हुए और उनको आभार भी व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आप में कुछ बंधुओं ने और प्रशंसा के भी कुछ शब्द लिखे हैं, कुछ बातें आपके चैट बॉक्स में मुझे दिखाई भी दी हैं, जिन्होंने प्रशंसा की वो वास्तव में यदि हृदय से कर रहे हैं तो उनको आभार, और केवल मुझको वक्ता को प्रसन्न रखना चाहिए तो ठीक बोलेगा, इसलिए भी अगर किया है तो भी आभार। इसलिए मुख्य मुद्दा बस यही है कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को अपनी कक्षा कक्ष तक, अपने विद्यार्थियों तक, हम चूँकि सारे टीचर एजुकेटर हैं इसलिए द टीचर्स वुड बी, उनको हम इन विषयों को कैसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, इसकी यदि हमने कोई योजना अपने मन में इस सारी बात में कर ली होगी तो इस गर्मी के मौसम में आपने जो ये लगभग 1.5-2 घंटे मुझे झेला है, इसका कुछ अपने को लाभ ध्यान में आ जाएगा। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए, आयोजकों को धन्यवाद निवेदन करते हुए और आप सभी को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए, आपको मेरी कुछ बातें ठीक नहीं लगी होंगी, कुछ उदाहरण ठीक नहीं लगे होंगे, कहीं कोई बात आपको ऐसी लगी हो, आप निश्चिंतता से डॉक्टर सोमू सिंह जी से मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे प्रसन्नता होगी यदि मैं आपकी किसी प्रश्न का उत्तर दे सकूँ, या आपकी कोई बात अगर मेरी ठीक ना लगी हो और आप उसको मेरी आलोचना भी करते हैं तो आगे कभी इस विषय को प्रस्तुत करने में, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ये विषय प्रस्तुत नहीं किया है, NIOS में एक कार्यक्रम हुआ था तो उस समय मैंने ये विषय रखा था, एक बार दो बार और इस प्रकार के विषय मैंने शायद एक बार गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गुजरात में गोधरा में है वहाँ एक बार ये विषय रखा था, एक बार चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में ये विषय रखा था, एक बार संभवतः रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में मैंने ये विषय रखा था, ऐसे 4-5 बार ही हुआ है। तो अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई सुझाव देंगे, आप कोई मेरी आलोचना करेंगे, कोई कमियां बताएंगे मेरे विषय में, तो मैं उसे आगे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।